Hello everyone, I am Jaya from Holistic Parenting. Today we will understand the concept of multiple intelligence. ये एक बहुत ही popular word हो चुका है आजकल कि बच्चों को multiple intelligence पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों को केवल उनके एक ही किसी गुण या अवगुण को लेके उनका क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, एक ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करने के लिए या ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. सो व्हाट इज इंटेलिजेंस, है ना? मल्टीपल मींस बहुत सारे. तो किसी भी एक पर्सन में एक ही गुण नहीं होता है, बहुत सारे उनके पहलू होते हैं, बहुत सारे हमारे पास, हमारे ब्रेन के पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं. तो इंटेलिजेंस, हम जो एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन पीपल क्या समझता है इंटेलिजेंस, मींस कि उसके पास बहुत नॉलेज होगा, बहुत नाम है उसका, तो वो इंटेलिजेंट है, है ना? लेकिन इंटेलिजेंस, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस? द ब्रेन्स एबिलिटी. ब्रेन्स एबिलिटी विच कैन गेट यू नेम, फेम, मनी एंड सक्सेस विल बी सीन एज एन इंटेलिजेंस. तो केवल पढ़ाई का नॉलेज ही इंटेलिजेंस नहीं होता है. अगर आप किसी भी क्षेत्र में आप दूसरे लोगों से बेहतर हैं, तो वो आपकी इंटेलिजेंस है. कोई भी आप काम कर रहे हैं जिसमें कि आप अपना 100% इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं और उससे आपका नाम हो रहा है, आपको शोहरत मिल रही है, फेम मिल रहा है, यू कैन अर्न मनी, आपको पैसा मिल रहा है और आप उसमें सक्सेसफुल हैं, तो वो आपकी इंटेलिजेंस है. नाउ वी कैन सी हमारे ब्रेन में कितनी तरह की इंटेलिजेंस होती है. लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन. हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन दो हिस्सों में बटा होता है, जिसको कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बोला जाता है. आपने कई बार सुना होगा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन, राइट ब्रेन एक्टिवेशन. हम अपने दिमाग को बहुत कम यूज करते हैं, बहुत ही कम चीजें हैं जिनको कि हम अपने ब्रेन का यूज सही तरीके से नहीं करें. उसके लिए बहुत सारी क्लासेस होने लगी हैं आजकल कि किस तरह से हम क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपना लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं. तो राइट ब्रेन जो एक्टिवेट होता है या जिनका ज़्यादा डेवलप होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग अपने राइट ब्रेन का ज़्यादा यूज करते हैं वो पर्सनैलिटी डेवलपर्स हो सकते हैं. उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्रिएटिविटी में दे आर वेरी गुड, इंट्यूशंस उनके बहुत अच्छे होते हैं. इट मीन्स कि वो किसी भी चीज को पहले से ही समझ सकते हैं, उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत अच्छे होते हैं नॉलेज का, परफॉर्मेंस वाइज दे आर वेरी गुड, आर्ट उनका बहुत अच्छा होता है, आर्ट में, पेंटिंग में, कुछ भी क्रिएटिव चीजें करने में वे बहुत अच्छे होते हैं. मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशंस दोनों ब्रेन में होते हैं, ठीक है? तो लॉजिक, लेफ्ट ब्रेन क्या होता है? लॉजिकल, जैसे साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिक्स को जानने वाले लोग होते हैं, कैलकुलेशंस करना, है ना, ये लेफ्ट ब्रेन का काम होता है, जो कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे लोग होते हैं. कॉमर्स के लोग भी, कॉमर्स और मैथ्स दोनों में कैलकुलेशन काम आता है. स्पीच बोलते बहुत अच्छा है, जितने भी पब्लिक स्पीकर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इट मीन्स कि उनका लेफ्ट ब्रेन अच्छा एक्टिवेट है. रीडिंग, रीडर्स होते हैं बहुत, बुक्स भी लिखते हैं. राइटिंग, जो रीडिंग करेगा उसको राइटिंग का भी एक आता ही है, जो या राइटर्स होते हैं वो बहुत अच्छे रीडर्स होते ही हैं. एनालिसिस करते हैं, है ना? तो जो लेफ्ट ब्रेन होता है उसका काम क्या है? एनालिसिस करना. इस तरह से हम देखते हैं इतने सारे काम कोई भी
इंसान में इतने सारे गुण हो सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत अच्छा रीडर हो, बहुत अच्छा राइटर हो, एनालिसिस बहुत अच्छी करता हो, तो एनालिसिस करने वाले न्यूज रीडर्स भी बन सकते हैं और फाइनेंस में भी जा सकते हैं। बहुत सारे होते हैं जहाँ पे कि आप एक एनालिसिस का जिसका ब्रेन होता है वो कर सकता है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में हम जो देखेंगे कितने तरह की इंटेलिजेंस होती है, बेस्ड अपॉन जो अभी हमने देखा कि ब्रेन हमारा कितने हिस्सों में बटा हुआ है, ब्रेन में कितनी तरह की पावर है हमारे पास। सो फर्स्ट इज इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, सेकेंड इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, विजुअल, लिंग्विस्टिक, फिजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये एक साइंटिस्ट हुए थे गार्डनर, उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि एक आप कह सकते हैं मोटा मोटा आप बता सकते हैं कि 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, और भी ज्यादा तरीके की हो सकती है, बट ये जो एक है कि ज्यादा अम्ब्रेला टाइप्स, दीज आर इंटेलिजेंस, इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज, योर नेटिव लैंग्वेजेस एंड परहैप्स अदर लैंग्वेजेस टू एक्सप्रेस व्हाट्स ऑन योर माइंड एंड टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। Your brain's ability to convert your thoughts, knowledge, emotions and feeling into language. आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी कहीं की भी भाषा या किसी का एक्सेंट बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं और नई नई लैंग्वेजेस सीखने में उन्हें शौक होता है और वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और कुछ लोग वहीं देखेंगे आप कि कोई भी दूसरी लैंग्वेज बोलने में वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इतनी जल्दी कॉपी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप इमोशंस अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना नॉलेज, अपनी फीलिंग्स को हम किसी लैंग्वेज के थ्रू ही बताते हैं। तो अगर आपके पास अच्छी भाषा है तो आपके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने ऐसे होते हैं जो कि अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे वर्ड्स में कन्विंस के साथ एक्सप्रेस करते हैं, है ना। और इसी तरह वी कैन सी द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, कैन अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड मैनिपुलेट सिंटेक्स ऑफ सेंटेंस, है ना। कई लोगों को आपने देखा होगा जो कवि हैं, लेखक हैं, शायर हैं, तो उनका क्या काम है, वो वर्ड्स के साथ खेलते हैं ना, वर्ड्स को इधर से उधर घुमाएंगे, तुकबंदी मिलाएंगे, तो उनके पास मीन्स क्या है, उनके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। गुड एट राइटिंग, स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग, आप देखिए कुछ, आप देखेंगे कई लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से स्टोरी ऐसे सुनाते हैं कि आपको सुनी हुई स्टोरी में भी इंटरेस्ट आता है कि वो कितने अच्छे से स्टोरी सुना रहे हैं। तो एक इंटरेस्ट के साथ, एक एक्सप्रेशंस के साथ स्टोरी सुनाना, एक्टिंग करके सुनाना, या आंखों के हाव भाव से, या शब्दों का जो वर्ड्स का जो आपका चुनाव है वो इतना अच्छा होता है जिसके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है कि उनके पास लोग बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं उनको। रिमेंबर रिटन एंड स्पोकन इंफॉर्मेशन, है ना, उनको जो लिखा हुआ है या किसी और ने कुछ बोला है वो दिमाग में उनको याद हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी वर्ड्स को, नए नए वर्ड्स को जल्दी जल्दी सीखते हैं। इंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग, उनको लिखना पढ़ना दोनों बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहेंगे। डिबेट और गिव परसुएसिव स्पीच, उनको बातें करने में, डिस्कशंस, डिबेट्स करने में बहुत मजा आता है और स्पीचेस देने में। आर एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स वेल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको कोई भी चीज इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यूज ह्यूमर व्हेन टेलिंग स्टोरीज, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल, बहुत ह्यूमरस होते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, इसलिए लोगों के साथ बैठे रहते हैं, बने रहते हैं हमेशा, तो ऐसे लोगों को लोग बहुत पसंद।
What are the carriers a person can pursue with linguistic intelligence? First is author, journalist, poet, playwright, radio announcer, speech pathologist. One who interprets. Speech pathologist आपने देखा होगा, कई लोग interpreters भी होते हैं language के, जो कि लैंग्वेज को, आपने पॉलिटिशियंस को देखा होगा, मोदी जी के साथ आपने देखा होगा एक इंटरप्रेटेटर हमेशा रहता है जो कि उन्हें दूसरी भाषाओं का हिंदी में या इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करके बताते हैं. ट्रांसलेटर्स होते हैं, प्ले राइटर्स हैं जो मूवीज के आजकल कंटेंट राइटर्स हैं, टाइपिस्ट, नॉवलिस्ट, कॉमेडियन, जैसे कि हम सब ने देखा है कि कपिल शर्मा जो है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, वो कितने अच्छे से एक जोक को प्रस्तुत करते हैं, किस तरह से शब्दों को खेल के वो हम सबको हंसाते हैं. पॉलिटिशियंस तो बोला ही जाता है कि कैसे वर्ड्स के झूठे झूठे वादे करने में होशियार होते हैं. ओरेटर्स, एक्टर्स, क्यूरेटर्स, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के साथ जो आजकल आज के जमाने में अगर आप बात करें सोशल मीडिया के इस युग में, मैं कहूँगी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है बहुत ही रेलिवेंट हो चुकी है और बहुत ही सक्सेसफुल कैरियर इसमें लोग बना रहे हैं. कुमार विश्वास पोएट हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, और किस तरह से वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं ये भी हमने देखा है. रजत शर्मा एक न्यूज़ रीडर हैं, बहुत अच्छे से वो अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं और उनकी जो किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं. शशि थरूर इज़ वेरी फेमस फॉर हिज इंग्लिश वोकैबुलरी एंड नॉलेज, एंड उनका जो स्पीच होता है वो बहुत ही उम्दा दर्जे का माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है. तो बहुत सारे कैरियर्स हैं जिसमें कि हम अपने जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है जिनके पास, दे कैन परस्यू दीज कैरियर्स. सो व्हाट आर रेमेडीज और प्लान, क्या करना चाहिए अगर आप लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आप में नहीं है, या अगर है तो आप उसको और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपने में या अपने बच्चों में, कि वो इसमें एक सक्सेसफुल कैरियर बना सके. अगर किसी बच्चे को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ज़रूर उनके पेरेंट्स को उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंस किसी भी इंटेलिजेंस से कम नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही बने. सो अगर आप चाहते हैं या आपका बच्चा चाहता है कि वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के कैरियर परस्यू करे, तो उनको किस तरह से हम आगे इनकरेज कर सकते हैं. मेक किड्स लिसन टू एन ऑडियो स्टोरी ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड देन आस्क देम टू रिफ्रेम इन ओन वर्ड्स. कोई भी स्टोरी बच्चा सुनता है उसको फिर बोलो कि अपने वर्ड्स में ये स्टोरी मुझे बताओ. सेम टू सेम रट्टा मत मारो, डोंट रोट द स्टोरी, है ना. कई बार हमने देखा है हम स्कूलों में बच्चों को क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड स्टोरी उनको रटवाते हैं और बोलते हैं वो सुनाओ, और हम सोचते हैं कि बच्चा हमें वो स्टोरी सुना रहा है तो बहुत इंटेलिजेंट है. एक्चुअल इंटेलिजेंस तब है जब कोई किसी स्टोरी को कोई बच्चा अपने वर्ड्स में और इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे सुना सकता है. सो बच्चों को इस तरह से आदत डालें कि केवल वो टीवी देखे नहीं, कई बार वो स्टोरी सुने. ऐसी बहुत सारी ऑडियो बुक्स आती हैं बच्चों की जिसको कि बच्चे सुन सकते हैं, वो ऑडियो बुक्स, या आजकल तो पॉडकास्ट भी आ गया है, आप उसको सुन सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम सारा दिन स्क्रीन ही पे देखें, तो कभी बुक पढ़ के वो अपने वर्ड्स में बोल सकता है, या कॉपी करने के लिए वो एक्सेंट या उसका तरीका कि किस तरह से स्टोरी बोली गई है, वो सुनने के लिए ऑडियो सुन के फिर बच्चे अपनी भाषा में बोल सकते हैं. विजुलाइजेशन, कोई नई स्टोरी बनाना, कुछ भी नया विजुलाइज करना
से विजुलाइजेशन करने से हमारी क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये तो हर कोई कर सकता है, इस तरह से बच्चों को हैबिट डालनी चाहिए कि विजुलाइज करें, वो कोई स्टोरी ख्यालों में बनाएं। पिक्चर कॉम्प्रिहेंशंस जो दी होती हैं, कुछ पिक्चर्स दी होती हैं, उनको देख के आपको एक स्टोरी बनानी होती है या कुछ उसको देख के कोई आपको पैरा बनाना होता है। 5-7 वर्ड्स टू स्टोरी, है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए रहते हैं, की वर्ड्स दिए रहते हैं और उन की वर्ड्स से आपको कुछ पैरा लिखना है या स्टोरी बनानी है। इस तरह की एक्सरसाइजेज हम बच्चों को घर में भी करा सकते हैं, जिससे कि बच्चे की क्रिएटिविटी और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो बहुत इंक्रीज होगी। आस्क देम टू स्पीक ऑन 2 मिनट्स अबाउट फीचर्स ऑफ देयर फेवरेट गैजेट्स एंड फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। बच्चों को 2-2 मिनट के लिए छोटी छोटी स्पीचेस देने के लिए रेडी करें, जिसमें कि वो जैसे कि अपने फेवरेट गैजेट्स के बारे में बताएं या उनका जो फेवरेट कार्टून करेक्टर है, दे कैन टेल अस अबाउट देयर फेवरेट कार्टून करेक्टर्स। सो इससे क्या होगा कि उन्हें जो वो सोचते हैं उस कार्टून करेक्टर को लेके, उस वो फीलिंग वो एक्सप्रेस करना सीखेंगे, तो इससे उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो इनक्रीज होगी। कभी भी अगर आपको अपनी देखना है कि आपकी स्पीच कैसी है या आप कैसे बात करते हैं, तो आपको अपनी भाषा अपनी बातों को रिकॉर्ड करके और उन्हें सुनना चाहिए, और आपको जो लगे उसमें जो कमियां दिखाई दें, जो मिस्टेक्स दिखाई दें, उन्हें इम्प्रूव करें। जब हम अपनी ही आवाज़ सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत हैं या कैसे बात कर रहे हैं। शो अ स्टोरी एंड आस्क देम टू स्पीक डायलॉग्स म्यूटेड, है ना, एक बार कई बार कुछ हम फिल्म देख लें, उसके बाद उसको म्यूट करें, रीप्ले करें और फिर चलाएं और कहें कि चलो अब बताओ इसमें क्या 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 कहा था, या कार्टून करेक्टर आवाज़ आप म्यूट कर दीजिए और खुद एक नई स्टोरी बना के उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वे हो सकता है जिसमें कि हम बच्चे को बच्चे की लिंग्विस्टिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। यूज़ 1 न्यू वर्ड इन कन्वर्सेशन एवरी डे, बच्चों की वोकेबुलरी इंक्रीज करिए, उनको एक रोज एक नया वर्ड, रोज नया इडियम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, इस तरह से नया नया उनको कुछ सिखाएंगे तो उनकी जो है लैंग्वेज जो है स्ट्रॉन्ग होगी, इम्प्रूव होएगी। टीचिंग समवन समथिंग, जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। सीखते समय एक थोड़ा मजबूरी वाला या एक प्रेशर रहता है, लेकिन जब हम किसी को सिखाते हैं तो सिखाने के लिए आपको सबसे पहले सीखना ही पड़ता है। तो इसलिए जो टीचर होता है वो एक ऑलवेज क्या होता है, कॉन्स्टेंट लर्नर की तरह होता है, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो अगर आपको अपनी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है तो आप कुछ छोटे बच्चों के ट्यूशंस चालू कर सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं। यू कैन टीच देम हाउ टू प्ले गिटार और हाउ टू ड्राइंग सिखा सकते हैं, क्राफ्ट सिखा सकते हैं। उसमें क्या होगा, क्योंकि यू हैव टू गिव देम इंस्ट्रक्शंस, तो आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। राइटिंग योर डायरी, राइटिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ द डे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट तरीका, ये जो फेमस है, वर्ल्ड फेमस तरीका है कि हमेशा हमें कुछ राइटिंग करनी चाहिए, डायरी लिखनी चाहिए और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते रहना चाहिए, कि रात को सोते समय डायरी लिखना ये एक बहुत अच्छा तरीका है एंजाइटी को भी दूर करने का और डिप्रेशन को दूर करने का भी, कि हमें डायरी लिखना चाहिए, प्लानिंग्स लिखनी चाहिए अपनी। उससे क्या होता है कि हमको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का एक तरीका मिल जाता है एंड ये हमारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को भी शो करता है। अवर नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज लॉजिकल इंटेलिजेंस। इट इज द कैपेसिटी टू यूज नंबर्स इफेक्टिवली एंड रीजन वेल। पीपल विद दिस इंटेलिजेंस थिंक बाय रीजनिंग एंड दे लव एक्सपेरिमेंटिंग, क्वेश्चनिंग, फिगरिंग आउट लॉजिकल पजल्स एंड कैलकुलेटिंग। इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका लॉजिकल ब्रेन डेवलप होता है, जिनका लॉजिकल इंटेलिजेंस काफ़ी डेवलप होता है, वो आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी मैथमेटिक्स उनकी बहुत अच्छी होती है। आपने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स में दे आर वेरी सो सो, दे आर वेरी एवरेज, बट इन मैथ्स दे आर डूइंग वेरी वेल। वो आपको ओरली बहुत सारे सम्स बता सकते हैं, उनको टेबल्स जल्दी लर्न हो जाते हैं,
और आपने देखा होगा एबेकस में काफी अच्छा कर लेते हैं वो, तो इस तरह। या जिनको, कई बच्चे ऐसे थे जिनको रूबिक पजल्स पसंद होती हैं, पजल सॉल्व करना पसंद होती हैं, कैलकुलेशंस पसंद होते हैं, तो इन बच्चों का लॉजिकल ब्रेन जो है वो काफी डेवलप होता है। दैट इज वाई दे आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स और इन कैलकुलेशंस। योर ब्रेन्स एबिलिटी टू एनालाइज, इंटरप्रेट, टू सी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, टू प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस, है ना। ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिनका लॉजिकल इंटेलिजेंस डेवलप होता है, वो क्या होते हैं, वो हर चीज का कॉन और प्रो एनालिसिस कर सकते हैं। वो हर चीज का में क्या कम है, ज्यादा है, क्या है, वो एनालिसिस कर पाते हैं बहुत अच्छे से। कॉज एंड इफेक्ट, क्या कारण है, क्या इसके इफेक्ट पड़ेंगे। जैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं, आपने देखा होगा, वो फ्यूचर में ही फ्यूचर की समस्याओं के बारे में बताते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का, कि आगे ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। जितने भी आप हम देखते हैं कि बताते हैं कि जो शेयर मार्केट से रिलेटेड आपने एनालिसिस देखे होंगे, या फाइनेंशियल बैंक के लोग होते हैं, तो उन सब में लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत ही डेवलप होता है। ऐसे ही लोग इन फील्ड्स में सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी, टाइम, कॉज एंड इफेक्ट। यूजेस एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स टू रिप्रेजेंट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक मैथ्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की मैथ्स एंड फिजिक्स बहुत अच्छी होती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ यूट्यूब में ऐसे वीडियो आए हैं कि लोगों ने खुद से, जो बच्चे गांव के बच्चे हैं या ऐसे लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने भी बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनाई हैं, जिन्हें देसी जुगाड़ कहा जाता है। तो वो ऐसा करने में क्यों सक्सेसफुल हुए हैं? क्योंकि उनका लॉजिकल ब्रेन, उनका लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत डेवलप है। दे हैव लॉजिकल इंटेलिजेंस, दैट इज वाई दे कैन डू इट। सो इन लोगों को क्या है कि इनका क्वांटिटी, टाइम, कॉज, इफेक्ट, ये सब इनके दिमाग में बहुत क्लियर होता है। बहुत जल्दी समझ जाते हैं ये कि किस तरह से कोई चीज काम करेगी, कैसे कोई मशीन वर्क करेगी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स को यूज करते हैं कभी कभी ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, जैसे आजकल माइंड मैपिंग होती है। तो इस तरह से ये लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है, जो साइन देख के, कोई निशान, कोई चिन्ह देख के समझ जाते हैं कि इसको, या चिन्हों के द्वारा वो कभी कभी प्रॉब्लम्स को या ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह लॉजिकल इंटेलिजेंस जो है वो मैथ्स, फिजिक्स और एनालिसिस से रिलेटेड है। एंड व्हाट आर द कैरियर्स यू कैन परस्यू विथ लॉजिकल इंटेलिजेंस? ये तो शायद हर पेरेंट्स चाहेगा कि उसके बच्चे का लॉजिकल इंटेलिजेंस अच्छा हो, क्योंकि मैथ्स को एक मैथ्स फिजिक्स जो कि बहुत जरूरी है इंजीनियर्स के लिए, आईआईटी क्रॉस करने के लिए। तो ये अकाउंटेंट कॉमर्स का भी जो है वो सेम बेस होता है। अकाउंटेंट, एक्यू एक्ट्यूरी, ऑडिटर्स, जितने भी ऑडिटर्स होते हैं बैंक के और कंपनियों के, बैंकर्स, बुक कीपर्स, बिजनेस पर्सन्स, है ना, जहाँ पे कैलकुलेशंस काम आ रहे हैं कि कितना फायदा होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा कंपनी को क्या करने से। ये जितना भी इंटेलिजेंस होता है, इट इज रिलेटेड टू लॉजिकल इंटेलिजेंस। हमारे पास जैसे कि उदय कोटक जो है, कोटक बैंक के जो सीईओ हैं, उनका उनके बारे में हम कह सकते हैं कि उनका लॉजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है। गूगल के सुंदर पिचाई जो हैं, यकीनन वो इंडियन हैं और उन्होंने आज वो गूगल के सीईओ बन गए हैं। तो उनमें जो भी जो कंप्यूटर पर्सनल होते हैं, जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो क्या होते हैं, उनमें लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। कंप्यूटर एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, डॉक्टर्स, इकोनॉमिस्ट, लीगल असिस्टेंट, मैथमेटिशियन, परचेजिंग एजेंट जो होते हैं, जो कि बाजार में, जो कि मीन्स किसी भी कंपनी के लिए या कहीं भी जाते हैं, जो सामान खरीदने बेचने, जो सेल्स पर्सन होते हैं, परचेजिंग होते हैं वो, क्योंकि उनको कितना कम करवाना है, कितना ज़्यादा चीज़ को कैसे लेना है कि वो कम से कम रेट में आपको मिले, ये सब जो भी कैलकुलेशंस
जहाँ पे भी इन्वॉल्व है वहां पे आप समझिए कि लॉजिकल इंटेलिजेंस की, कई बच्चे देखे होंगे आपने, कई लोग देखे होंगे जो कि बहुत अच्छा बार्गेनिंग कर लेते हैं, जहां बार्गेनिंग की जरूरत पड़ती है, जहां एक आपको इस तरह की स्किल की जरूरत पड़े कि आपका कुल मिला के उसमें फायदा हो या दुनिया का फायदा हो, किसी भी सिचुएशन से आप किस तरह से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें ये बुराई है या अच्छाई है इस चीज में। साइंस रिसर्चर, साइंस टीचर, स्टेटिस्टिशियन, टेक्नीशियंस जितने भी होते हैं एंड अंडर राइटर्स, तो ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, अब्दुल कलाम साइंटिस्ट है हमारे देश के, हम सब जानते हैं। तो जितने भी अभी जैसे एक फिल्म आई है महादेवन की, रॉकेटरी, तो जब हम वो करेक्टर देखते हैं नम्बी नारायणन जी का, तो आप देखिए उनमें कितना वो, कितनी एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने किस तरह से कई बार अपने लॉजिकल इंटेलिजेंस का यूज करके फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेके आए, रशिया से टेक्नोलॉजी लेके आए। तो केवल पढ़ाकू होना ही या केवल पढ़ाई पढ़ाई करते रहना ही इंटेलिजेंस नहीं है। जो लॉजिकल इंटेलिजेंस है उनको ये सब भी, उनका दिमाग चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि उनको ये सब सोचना पड़ता है। एज ए डॉक्टर, डॉक्टर को क्या लॉजिकल है, डॉक्टर को भी कई बार आप देखते होंगे कि जो सर्जन्स होते हैं उनको अंदाजे लगाने पड़ते हैं कि किस तरह से ऑपरेशंस किए जाएंगे, किस तरह से क्या होगा, तो दे आर टेकिंग रिस्क, है ना, और उनका ज्यादातर सही निकलती हैं ये सब, कि वो अपना लॉजिकल ब्रेन यूज करते हैं पढ़ाई के समय भी एंड प्रैक्टिस के समय भी। रेमेडीज, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में लॉजिकल इंटेलिजेंस बढ़े या आप खुद की भी अपनी लॉजिकल इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? और अगर किसी बच्चे में आपको लगता है कि आपके बच्चे की मैथ्स अच्छी है, वो जल्दी कैलकुलेशन समझता है, उसको इंटरेस्ट है, तो आपको और ज्यादा उनको डेवलप करने के लिए, जैसे कि वो आगे जाके सक्सेसफुल हो और ज्यादा अपनी लाइफ में इजिली कर पाए, तो उन्हें क्या खेलना चाहिए? चेस, मोनोपोली, नेगोशिएशंस करने के लिए उनको घर में जैसे कि माहौल बनाइए कि अच्छा इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, इसके बदले में क्या, थोड़ा नेगोशिएशन करना सीखें, या डॉक्टर, या कभी सब्जी वाले से बोलें कि बात करके आए, दुकानदार से बात करके आए कि इसके इतना पैसा है तो इतना अमाउंट हुआ तो कितना पैसा कम होगा, या इतना किस कितना डिस्काउंट है तो कितना पैसा मिलेगा वापस, कितना कम लेस हो जाएगा। सूडोको, रिडल्स, जितने भी माइंड गेम, जितने भी रूबिक पजल्स, रूबिक क्यूब्स, लीगो पजल्स, ल्यूमिनिसिटी, ब्रेनवर्सिटी, बोर्ड गेम्स जितने हैं जिसमें कि दिमाग लगाना पड़ता है ना, इस तरह के ये सब जो गेम्स होते हैं वो बच्चे जब खेलते हैं तो उनका लॉजिकल इंटेलिजेंस डेवलप होता है। सिक्वेंसिंग, पैटर्न, नंबर, जितना आपने देखा होगा ये लॉजिकल, आजकल बुक्स में भी, स्कूल की बुक्स में एक लॉजिकल पैटर्न्स का कुछ ना कुछ एक लेसन रहता ही है। जिंगा, मैकेनिक्स, इस तरह के गेम्स जो है, साइंस फिक्शन गेम्स, स्कॉटलैंड यार्ड, मिस्ट्री रूम्स, है ना, इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन रिसर्च। कुछ भी बच्चों को, जैसे स्कूल में तो कई बार प्रोजेक्ट मिलते हैं, बट हम क्या करते हैं कि हम उन्हें गूगल दे के या खुद से उनकी हेल्प करके उनको फटाफट प्रोजेक्ट पूरा करवा देते हैं, लेकिन बच्चों को आप खुद भी इस तरह की कोई छोटी मोटी रिसर्च करने को बोल सकते हैं, ये कैसे हुआ बताओ, ये प्लांट कैसे बड़ा हुआ, या ये चीज कैसे रखी हमने, क्या हुआ था, कुछ भी छोटा मोटा रिसर्च, कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च के टॉपिक बना के हम उन्हें दे सकते हैं कि बच्चे खुद से रिसर्च करें, खुद उसके जवाब ढूंढें, किसी भी प्रॉब्लम के आंसर्स बच्चे ढूंढें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके आपको बताएं। साइंस म्यूजियम ले जाइए बच्चों को, प्लेनेटेरियम, एक्वेरियम और साइंस सेंटर। टीच मैथ्स और साइंस कॉन्सेप्ट टू समवन लेस नॉलेजेबल। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर लॉजिकल नॉलेज, योर लॉजिकल इंटेलिजेंस, यू हैव टू टीच मैथ और साइंस कॉन्सेप्ट टू समवन, जिसको आपसे कम आता है, ऐसे बच्चों को आप पढ़ाइए साइंस और मैथ्स, तो धीरे धीरे आपका भी मैथ्स का जो कैलकुलेशन का है इंटेलिजेंस वो बढ़ने लगती है।
तो कुछ भी सीखने का तरीका या डेवलप करने का तरीका यह है कि आप उसको बांटना चालू करिए। कहते हैं अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो उसे बांटने लगिए, वो आपके पास दुगनी तिगनी मात्रा में आती जाएगी। नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज विजुअल इंटेलिजेंस। स्पेटियल इंटेलिजेंस इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू परसीव एंड इंटरप्रेट विजुअल स्टिमुलाई। In other words, it is how our mind processes what we see. इसे visual intelligence को spatial intelligence भी बोला जाता है। ये जब हमारा mind कुछ भी visualize करता है, आपने देखा होगा कुछ बच्चों का या कुछ लोगों का visualization बहुत अच्छा होता है। वो आपको ऐसे बैठे बैठे किसी मैजिकल वर्ल्ड में ले जा सकते हैं कि देखो आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो आगे जाके ऐसा होगा, है ना। इन अदर वर्ड्स इट इज हाउ आवर माइंड प्रोसेस व्हाट वी सी, है ना। हमें पहले से ही वो एक 3D पिक्चर देखने लगे या किसी भी चीज को देखकर आपके सामने, किसी खाली प्लॉट को देखकर आपको उसके सामने आ जाए कि इस प्लॉट में इस तरह का बिल्डिंग बन सकता है, इस तरह का घर बन सकता है, या इस जगह पे तुम्हें मॉल बना सकते हैं, ये बन सकता है, इस जगह का क्या यूज हो सकता है, जो कोई देखते ही बता देते हैं कई लोग। तो उनका विजुअलाइजेशन, वो आसपास की चीजों का इस तरह से एनालिसिस करते हैं कि उनके दिमाग में, जैसे आर्किटेक्ट होता है तो वो कैसे किसी भी जगह को देखकर वो सोच सकता है कि मैं इस जगह को इस तरह से डिजाइन कर सकता हूँ। तो विजुअल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं कि जिसमें देखने की, देख के चीजों को समझने की इंटेलिजेंस होती है। योर ब्रेन्स एबिलिटी टू इंटरप्रेट व्हाट यू सी, कलर्स, शेप्स, डिजाइन, डिस्टेंस, स्पीड एंड स्पेस। कलर्स की समझ होना, है ना, कोई कलर्स देख के, जैसे कि आजकल आपने पढ़ा होगा कि कलर थेरेपीज होती हैं एंड कलर्स इफेक्ट अवर लाइव्स। शेप्स, कोई शेप देखकर कि आप इस शेप से क्या क्या बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार लॉजिकल में कोई एक शेप दे दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि इसके 5 यूजेस बताओ या 5 इससे कुछ ड्राइंग्स बनाओ। डिजाइंस, है ना, अलग अलग तरह की जो डिजाइंस बनाते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, स्पेस, ये सब कुछ समझने की, जिनका जो देख के कि इतना दूर है ये, इतना पास है, इतनी स्पीड है, तो इसका क्या रीजन है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज हो सकता है, राइट। तो ये एबिलिटी को बोला जाता है विजुअल इंटेलिजेंस। करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऐसे लोगों के, लर्न्स बाय सीइंग एंड ऑब्जर्विंग। कुछ बच्चे आपने देखा होगा जब उनको एवी रूम में ले जाते हैं या वीडियो पे या कंप्यूटर्स पे कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, वो बहुत जल्दी समझते हैं बजाय कि क्लास में बैठ के लेक्चर सुनने से। वही बच्चा क्लास में, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता जब टीचर बोर्ड पे पढ़ाती है या ओनली एक ओरल उनको भाषण दिया जाता है, कुछ भी लेक्चर दिया जाता है, बच्चे बोर होते हैं। लेकिन वही चीज अगर आप उन बच्चों को उसमें कंप्यूटर्स पे या उन पे एवी रूम्स में दिखाइए तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाती है वो बात देख के। Recognizes face, ना, some people are very good to recognize face. वो आप एक बार किसी की शक्ल देख लेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे कि ये आदमी का क्या नाम था और ये कौन है। और कई लोग आप देखेंगे कि बहुत बार मिलते हैं फिर भी कहते हैं I'm sorry, मैं आप भूल गया, आपका नाम भूल गया या मुझे आपका फेस याद नहीं रहा। ऑब्जेक्ट, किसी चीज को देखेंगे एक तो दिमाग में छप जाता है, शेप्स, कलर्स, डिटेल्स एंड सीन्स, है ना। तो इनको क्या है, ये बहुत अच्छी तरह से सारे डिटेल याद कर सकते हैं। आपको कहीं एक बार गार्डन में जाएंगे या कहीं, तो वो आपको एक छोटी छोटी चीज बताएंगे, क्योंकि वो क्या करें, वो बहुत डिटेलिंग, बहुत माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करते हैं और उनमें इंटेलिजेंस है, इसलिए वो बहुत जल्दी इस चीज को कैच कर लेते हैं। कोई भी सीन उनको तुरंत वो याद करके बता देंगे कि इस तरह ऐसी ऐसी घटना हुई थी, इस तरह से इंसिडेंट हुआ था। थिंग्स इन पिक्चर्स एंड विजुअलाइज डिटेल, ये क्या है, इस इंटेलिजेंस में क्या होता है कि ये पिक्चर्स बना लेते हैं अपने माइंड में। विजुअलाइजेशन का जो डिटेल है वो बहुत क्लियर होता है इनके माइंड में बिकॉज ऑफ विजुअल इंटेलिजेंस, क्योंकि इनका विजुअल इंटेलिजेंस का पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ रहता है ब्रेन में।
uses visual images as an aid in recalling information. आपने देखा होगा कई बार इस तरह की आजकल एजुकेशन में इस तरह के साइंस को या पिक्चर्स को यूज किया जाता है, जिससे कि आपको सारा जो क्वेश्चन है वो याद हो जाए या आंसर जो है वो आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो इस तरह से माइंड मैप या इस तरह के पिक्चर्स बनाए जाते हैं जिससे कि आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ सकें. तो जो है रिकॉल करने का इनको कोई भी जो इंसिडेंट है वो कोई इंफॉर्मेशन है वो केवल एक इमेज को देखकर वो पूरा इंसिडेंट या पूरी इंफॉर्मेशन इनको याद रहती है. तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें विजुअल इंटेलिजेंस आप समझ जाइए कि दे बहुत डेवलप्ड है. कैरियर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंट, आपने देखा होगा एडवर्टाइज हमें किस तरह से कन्विंस कर लेती हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, है ना. कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं वो किसी प्रोडक्ट को कि आपको वो जैसे मैगी है तो कोई भी आप देखेंगे कि कई बार हम कोई एक येलो कलर का पैकेट आप ऐसे ही ले लेंगे कि वो मैगी होगा. अगर आपको नूडल्स का चाहिए आप जाएंगे और आप येलो कलर का पैकेट उठाएंगे कि वो मैगी, क्यों? क्योंकि हमारे उन लोगों ने इसको इतने अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है कि बच्चा मैगी के ही नूडल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस पॉपुलर हैं. आर्किटेक्ट जितने भी होते हैं क्योंकि वो किसी भी जगह को देख के कि इसमें किस तरह का फ्लैट बनेगा, किस तरह का घर का नक्शा बनेगा, कैसा होगा, ये सब जो है वो सोच लेते हैं. मैप मेकर जो होते हैं दे आर कॉल्ड कार्टोग्राफर, है ना. तो जो मैप बनाते हैं आपने देखा होगा किस तरह मैप जो बनता है वो छोटे छोटे साइंस के ले को लेकर बनता है. ड्राफ्टर, ड्राफ्ट बनाने वाले लोग. इंजीनियर्स, मशीनों को लेके जो मशीनों के पार्ट्स वगैरह बनते हैं. फाइन आर्टिस्ट जैसे कि हुसैन साहब, आपने देखा होगा जो जितने भी पेंटर्स होते हैं या जो जितने भी कलाकार हैं आप कह सकते हैं जो कि फाइन आर्ट्स के जितने से रिलेशन में हैं, वो सब जो हैं वो आप सोच भी नहीं सकते उस तरह से अब वो चीज़ों को दिखाते हैं और उनको प्रेजेंट करते हैं. वो किसी भी चीज़ में कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि किसी पत्थर में एक, वो कहता है कि एक पेंटर के एक मूर्तिकार के हाथ में लगा तो वही पत्थर जो था उसकी सुंदर मूर्ति बन गई और जिसको किसी मजदूर ने देखा उसको ईंट की तरह यूज करके चला गया वो पत्थर को. तो ये देखने वाले की नज़र पे डिपेंड करता है. तो फाइन आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, आप देखिए किसी कपड़े को लेकर किस तरह से प्रेजेंट करना है. ये फैशन डिजाइनर्स बहुत खूबसूरती से अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं. एक ही साड़ी को कितनी तरीके से पहना जा सकता है, कोट को किस तरह से पहने, किस तरह से नए नए फैशन ले आए, ये सब. जैसे मनीष मल्होत्रा एक बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर हैं. तो इन सब में क्या है, विजुअल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है. मल्टीमीडिया आजकल जो चल रहा है, एनिमेशन किया जाता है कि किस तरह से आंखें खोलें बंद करें कार्टून करेक्टर, तो ये सब जो करते हैं उनमें विजुअल इंटेलिजेंस होता है. इंटीरियर डेकोरेटर, डिजाइनर्स, इन्वेंटर्स, फोटोग्राफर्स, पायलट्स, स्कल्प्टर, सर्वे करने वाले जो सर्वेयर होते हैं, अर्बन प्लानर, तो इस तरह से बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें कि कैरियर बनाए जा सकते हैं, जो कि आप जिसमें कि सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो आप अपनी इंटेलिजेंस को पहचानिए कि क्या आपके अंदर इस तरह की इंटेलिजेंस है कि आप चीज़ों को उनके विजुलाइज कर सकते हैं, आप उनका फ्यूचर विजुलाइज कर सकते हैं या चीज़ों में कुछ अलग अलग आपको दिखता है तो आप में विजुअल इंटेलिजेंस है. कैसे डेवलप कर सकते हैं विजुअल इंटेलिजेंस को या इम्प्रूव कर सकते हैं, ओरिगेमी. आपने देखा होगा किस तरह से पेपर को फोल्ड करने की जो एक आर्ट है दैट इज कॉल्ड जापानी आर्ट, दैट इज कॉल्ड ओरिगेमी, कि एक पेपर को किस तरह से फोल्ड करके अलग अलग शेप्स बनाए जाते हैं. आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज में जिसको इंटरेस्ट है, इट मींस कि ही इज वेरी गुड इन विजुअल इंटेलिजेंस. क्ले मॉडल्स, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ऑटोकैड, है ना.
तो ये सब सीखने चाहिए, ये सब चीजें करने से आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी विजुअल करने की। मेकिंग कार्ड्स, पेपर एक्टिविटीज, है ना, आप कुछ भी एक प्लेन पेपर से आप क्या क्या बना सकते हो। मैनेजिंग वार्डरोब्स, मैनेजिंग स्टडी टेबल, है ना। आप देखिए कुछ लोगों को बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं पसंद आता, वो अपनी बार बार अपनी टेबल्स को, स्टडी टेबल को, वार्डरोब को ठीक तरीके से, आप देखिए कुछ लोगों का आपको लगेगा कितना अच्छे से उन्होंने अपने अलमीराज को रखा हुआ है, मैनेज करते हैं। क्रिएटिंग माइंड मैप, कन्वर्ट इनटू पिक्चर्स, है ना। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग किसी स्टोरीज को पिक्चर के रूप में प्रेजेंट करो। क्रिएट डिजाइंस, ड्रॉइंग्स एंड इमेज ऑन द कंप्यूटर यूजिंग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। जिनको भी, जितने भी डिजाइनर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, उनमें ये धीरे धीरे अगर आपको सीखना है तो आप इस तरह से कोरल ड्रॉ है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर हैं आप यूज करके डिजाइंस बना सकते हैं, ड्रॉइंग्स बना सकते हैं। क्रिएट अ पिक्चर लाइब्रेरी ऑफ फेवरेट इमेजेस फ्रॉम मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। तो कोलेज वर्क करके आप इस तरह की एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपको ये आइडिया आएगा कि कोई भी चीज का डिजाइन कैसे बनाना है विजुअल इंटेलिजेंस के लिए। डेवलप विजुअल सिंबल्स व्हेन नोट टेकिंग। जब कभी आप कुछ कोई इस तरह के सिंबल बना, जब नोट लिखते हैं, है ना, तो कहीं पे हम अंडरलाइन करते हैं, हाइलाइटर्स को यूज कर रहे हैं, बुलेटिंग आपने देखा होगा ना, बुलेट में कितने टाइप्स के होते हैं, कहीं स्टार होता है, कहीं सर्कल होता है, कहीं एरो होता है। तो इस किस कितना और डेवलप कर सकते हैं और क्या क्या डिजाइन सोच सकते हैं, या यूज करना चालू करिए तो उससे भी विजुअल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगी। एक्सप्लोर विजुअल इल्यूजन्स, स्टडी एस्टर्स, टेस्लेशंस एंड ड्रॉइंग्स। तो जो इल्यूजन्स हैं, आपने देखा होगा कई इस तरह की पिक्चर्स आती हैं विजुअल इल्यूजन्स की, उनको एक्सप्लोर करिए, उनको देखना चालू करिए। कहते हैं ना कि आप इस पिक्चर को देखिए, आपको इस पिक्चर में कुछ और नजर आएगा। तो जब हम बहुत देर तक एक को, जैसे कहते हैं ना, त्राटक क्रिया करते हैं, या बहुत देर तक आप किसी भी एक पिक्चर को लगातार घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उसके अंदर कुछ और सीन छुपा होता है। तो उसके वो जो छिपा हुआ चीज है, जब आपको देखने में आ जाए, इट मींस कि आपका इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, विजुअल डेवलप। तो इस तरह की पेंटिंग्स खरीद सकते हैं, इस तरह की पिक्चर्स खुद भी बनाना सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, फिजिकल इंटेलिजेंस। बॉडीली kinesthetic intelligence is an expertise in using one's whole body to express ideas and feelings. Dancers जो हैं आपने देखा होगा, या fine arts के theatre के लोग, facial expressions से, या shadow artist, जो shadow technique होती है hands में, आपने देखा होगा कई बार यूज करते हैं, वो हैंड्स से अलग अलग चीजें बनाते हैं, हैंड्स के शेडो से। तो इस तरह जो एक बॉडीली, अपनी बॉडी का यूज करके फीलिंग्स और आइडियाज को एक्सप्रेस करना, एक्टिंग, इस तरह की जो चीजें होती हैं जिनमें से कि वो अपनी आंखों से, जैसे कई एक्टर्स के लिए बोला जाता है कि उनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, तो ये भी एक इंटेलिजेंस है कि हर कोई इस तरह से यूज नहीं कर सकता है। तो जो फिजिकल इंटेलिजेंस होती है उन लोगों में जो है अपनी बॉडी पार्ट्स को, अपने बॉडी को किस तरह से यूज करके उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं। तो फिजिकल इंटेलिजेंस क्या है? योर ब्रेन्स एबिलिटी टू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज योर बॉडी। इट इंक्लूड्स ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर एक्टिविटीज, है ना। कि कई लोग जो होते हैं फिजिकली बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, भले ही वो पढ़ाई में कमजोर हो, पढ़ाई में अच्छा ना हो, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं अपने, हम सब ने पढ़ा है कि कई बार जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो अपनी पढ़ाई ट्वेल्थ के बाद या और आगे परस्यू नहीं करते हैं। पढ़ाई एक्टर्स होते हैं, वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन दे आर वेरी गुड एक्टर्स। तो उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सुपीरियर एंड स्मूथ बॉडी कंट्रोल,
गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, है ना। तो जब इस तरह की जरूरत होती है तो उनका क्या है, उनके उनका अपने बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। कई लोग आपने देखा होगा डांस बहुत अच्छे जल्दी सीख जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं डांस, स्मूथली करते हैं, तो उनके हैंड्स लेग्स आई का इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। एंजॉय कॉन्क्रीट लर्निंग एक्सपीरियंसेस सच एस फील्ड ट्रिप्स, मॉडल बिल्डिंग और पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले गेम्स, असेंबलिंग ऑब्जेक्ट्स और फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो जो लोग आप देखते हैं कि योगा बहुत जल्दी कर लेते हैं या योगा में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इस तरह से कि जो फील्ड ट्रिप करने में बहुत बच्चे खुशी से जाते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं या कोई चीज़ जोड़ने में या जब रोल प्ले वगैरह होता है उसमें वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ लिखने को दे दिया जाए, पढ़ने को दे दिया जाए, उसमें वो नहीं अच्छा कर पाते, लेकिन रोल प्ले बोला जाए कि इसकी एक्टिंग करके बताओ या इसका रोल करो तो बहुत अच्छा रोल कर लेते हैं। इट मीन्स दे हैव फिजिकल इंटेलिजेंस, लर्न्स बाय फिजिकली एक्सपीरियंसिंग एंड डूइंग थिंग्स। ऐसे बच्चों को आप अगर कोई भी चीज करके दिखाते हैं या उन्हें करने देते हैं तो उन्हें वो कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होता है बजाय कि सुनने के या देखने के। तो अपने हाथों से अगर वो कोई चीज करते हैं या उसको एक्सरसाइज अपने हाथों के थ्रू अगर कोई चीज वो करते हैं टच करके, तो वो बहुत जल्दी उस चीज को समझते हैं। आर स्किल्ड एट डांसिंग एंड स्पोर्ट्स। ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, डांस में बहुत अच्छे, उनमें फिजिकल इंटेलिजेंस होता है। इंजॉय क्रिएटिंग थिंग्स विच हिज और हर हैंड्स। ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ बनाना बहुत पसंद होता है, अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे या मॉडल ही बनाना, जैसे ब्लॉक्स वगैरह हैं तो कुछ जो फिजिकल जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो करना, तो वो कामों में वो इंजॉय करते हैं, उसको इंटरेस्ट लेते हैं। हैव एक्सीलेंट फिजिकल कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने जैसे भरतनाट्यम वगैरह है, या कुछ बच्चे आप देखेंगे कि टीवी देख के ही बहुत छोटी उम्र में, आजकल तो दिखाई भी देता है इतने सारे शोज में कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतना अच्छा डांस कर लेते हैं। तो कई बार तो हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड हैं ये बच्चे, तो गॉड गिफ्टेड तो हैं ही, क्यों हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन का हिस्सा है जिसमें फिजिकल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी डेवलप है। दैट इज़ वाई दे आर डूइंग देयर बेस्ट इन, इतनी छोटी उम्र में भी वो इतना अच्छा कर लेते हैं। तो इसकी वजह ही यही है कि उनके ब्रेन का वो हिस्सा बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड है। रिमेंबर बाय डूइंग रादर देन हियरिंग और सीइंग। तो ऐसे बच्चों को कोई भी चीज़ जब वो कर लेते हैं तो उन्हें वो पूरी प्रोसेस याद हो जाती है। तो कई बार कोई कोई चीज़ उनको जैसे कि फोटोसिंथेसिस वगैरह है या कोई भी चीज़ इस कुछ भी कॉन्सेप्ट उनको पढ़ाना है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, तो अगर आप उनको करके दिखा देंगे, लैब में ले जाके दिखा देंगे या पॉसिबली जितना पॉसिबल हो अगर आप उनको दिखा देंगे कि देखो ऐसे सीड डाला, किस तरह से बड़ा हुआ, प्लांट बड़ा हो रहा है, ट्री है, ऐसा लीव्स है, तो वो उस कॉन्सेप्ट को जल्दी समझते हैं बजाय कि देखने सुनने के या लिखने के उनको। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि बच्चे कुछ बच्चे जो पढ़ाई में नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट लेके, लेकिन वही उनको आप कुछ करने को दे दो, मॉडल बनाने को दे दो, तो वो बहुत अच्छे से बनाते हैं, तो उनमें फिजिकल इंटेलिजेंस होती है। वॉट आर द कैरियर्स विच अ फिजिकल इंटेलिजेंस पर्सन कैन परस्यू। एक्टर बन सकते हैं, एथलीट बन सकते हैं, कारपेंटर्स जो होते हैं आप देखेंगे लकड़ी को किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से उनके शेप्स को अरेंज करते हैं। कोरियोग्राफर्स जैसे कि फराह खान हैं, तो वो कहती है ना कि उन्होंने कहीं से भी डांस नहीं सीखा, उनको धीरे धीरे करते करते स्टेज से करते करते उनको आ गया। तो जैसे कई बच्चे आपने देखे होंगे जिनको डांस बहुत अच्छा आ रहा है करना, उन्हें किसी ने नहीं सिखाया है। कई बच्चे योगा में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो केवल टीवी में देख देख के सीख जाते हैं, वो जल्दी कॉपी कर लेते हैं उन चीज़ों को। जितने भी डांसर्स हैं, क्राफ्ट्समैन जो भी बनाते हैं मूर्तियां, लकड़ी की मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं। फार्मर्स जितने हैं, क्योंकि वो फिजिकली इन्वॉल्व हैं जिस काम में। फॉरेस्ट रेंजर, इन्हें क्योंकि फील्ड ट्रिप्स वगैरह पसंद हैं, घूम घूम फिर के सीखना पढ़ना पसंद है। इन्वेंटर,
क्योंकि इन्वेंटर जो होगा वो कुछ ना कुछ बनाएगा ही बनाएगा, उसको तभी कुछ इन्वेंट कर सकेगा। ऐसे ही बच्चे इन्वेंशन में जाते हैं। कई बार हमने देखा है कुछ लोगों को डिग्रीज नहीं होती है पर वो बहुत अच्छे इन्वेंटर होते हैं। ज्वेलर्स, ज्वेलरी डिजाइनिंग करना, मैकेनिक्स, माइम्स होती हैं जो पी टीचर, जो फिजिकल इसके टीचर्स होते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होते हैं, रिक्रिएशनल डायरेक्टर्स, जो वापस जैसे कि पुरानी चीज़ों को, जैसे कहा जाता है ना कि जैसे पीरियड ड्रामा जो होते हैं, जैसे हम सब ने बाहुबली देखी या इस तरह की जो फिल्में पृथ्वीराज चौहान की, तो जिसमें कि पुराने समय में जाके उनको सेट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं कि किस तरह से होगा, तो उन सबको ये फिजिकल इंटेलिजेंस उनमें बहुत अच्छी होती है। दैट इज़ वाई दे आर चूजिंग दीज फील्ड्स एंड दे सक्सेसफुल होते हैं उसमें। अमिताभ बच्चन हैं, सानिया मिर्जा हैं, सेना नेहवाल हैं, दीज आर द ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, इन सब में फिजिकल इंटेलिजेंस है, तभी इनकी एक्टिंग हमें अच्छी लगती है। जितने भी नसरुद्दीन शाह हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, आप देखेंगे कि इनको ये क्यों इतने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी फेमस हैं कि वो चौकीदार का काम करते थे कहीं पे थे, वो थे, लेकिन धीरे धीरे पंकज त्रिपाठी हैं, बहुत सारे स्ट्रगल करते करते, लेकिन उनकी एक्टिंग का आज हम सब लोहा मानते हैं क्योंकि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, इतनी अच्छी लगती है सबको। इसी तरह से जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, दीपक चोपड़ा जैसे कि हम सब ने देखा कि उन्होंने ओलंपिक जीता, तो ये जो फिजिकल मेहनत कर सकते हैं, जो फिजिकल काम करते हैं और उसमें इंटरेस्ट आता है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनमें, उनमें वो फिजिकल के ऐसे इंटेलिजेंस वाले लोग इस तरह के कैरियर्स में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। रेमेडीज एंड प्लान, तो कैसे हम अपनी फिजिकल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर हमारे में है तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं और आगे कैरियर बनाने के लिए, किसी बच्चे में फिजिकल इंटेलिजेंस है तो और उसको किस तरह से हम बढ़ावा दे सकते हैं कि उसको डांस एंड स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करें। गिव वर्क इन चंक्स, कभी भी किसी बच्चे को या कोई भी काम को थोड़ा सा टुकड़ों टुकड़ों में बांट लेना चाहिए कि इतना काम करो फिर इतना काम करो। इस तरह से जब एक हिस्सों में बांट दिया जाता है काम को और उसमें फिजिकल कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो काम करने में मजा आता है। फ्रिक्वेंट ब्रेक्स, ऐसे बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक देना चाहिए। कोई भी काम बहुत लंबा है या बहुत देर लग रही है तो उसमें थोड़ा थोड़ा देर बाद ब्रेक दे देना चाहिए। कैरम खेलना, कैरम में बहुत अच्छा आपकी फिजिकल इंटेलिजेंस होती है। सॉर्टिंग क्ले, मोल्डिंग, हैंड एक्टिविटीज, जैसे मैंने कहा, जो आपने देखा होगा कई बार कि हैंड से शेडो बनाए जाते हैं, हैंड से कई डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाए जाते हैं, स्माइली बॉल स्क्वीज, फिंगर शेडोज, एक्टिंग, मैनेजिंग क्लोथ्स एंड टेबल, ओरिगेमी, सैंड एक्टिविटीज, स्टार्ट अ हैंड्स ऑन हॉबी सच एज गार्डनिंग और कुकिंग। तो कुकिंग करने में भी आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, गार्डनिंग करने में। तो इस तरह से कोई भी चीज करना स्टार्ट करें जिसमें कुछ ना कुछ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, तो उससे क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपके हाथ पैरों को कुछ इस तरह से काम करने की आदत पड़ती है। तो दीज आर द प्लान्स फॉर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल इंटेलिजेंस। Musical intelligence. Being musically intelligent means that you are able to distinguish the sounds around you and that you have the ability to make your own melodies. Musical intelligence, सीधी बात है, उनमें जिनमें के कुछ जो अपने आप ही कुछ अच्छा म्यूजिक बना लेते हैं, जो अलग अलग साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना, हमारे लिए जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसमें भी वो पत्तों में संगीत सुनते हैं, वो रेन में संगीत सुनते हैं कि बारिश हो रही है उसकी धुन सुनते हैं, या कई बार हवा का वो सुन लेते हैं कि हवा में किस तरह की आवाज आ रही है अलग अलग। तो जो इस तरह के जो जिनमें ये काबिलियत है, इट मीन्स कि उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, जो अलग अलग
अभी रिसेंटली हमने रघुवीर यादव के बारे में पढ़ा कि जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो हमें पता चला कि वो बहुत अच्छे बांसुरी वादक भी हैं, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो उनके पास बहुत सारे बैम्बूज पड़े रहते हैं, वो हमेशा कुछ ऐसे या लकड़ी वकड़ी ऐसे ले आते हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खुद बनाते हैं। इट मीन्स कि वो भले ही दुनिया के सामने बहुत अच्छे कोई म्यूजिकल डायरेक्टर या ऐसा नहीं है हमें पता, लेकिन उनमें ये इतनी अच्छी इंटेलिजेंस है कि वो अपने लिए करते हैं ये काम, अपने उनकी हॉबी है कि वो अलग अलग इन्वेंट करते रहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से जो लोग होते हैं जो म्यूजिक को समझते हैं, जिनमें म्यूजिक की समझ, अच्छे गाने की, अच्छी म्यूजिक की समझ होती है, दे हैव म्यूजिकल इंटेलिजेंस। योर ब्रेन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिदम, पिच, टोन, इको एंड स्ट्रक्चर ऑफ साउंड, है ना? ये क्या है म्यूजिकल इंटेलिजेंस? ब्रेन की कौन सी एबिलिटी होती है जिसमें कि रिदम समझ में आती है, कैसी पिच है? कोई कोई हम लोग कहते हैं कोई बोलता है तो भी बहुत अच्छा बोलता है, टोन कैसी है, इको कैसा है। तो इस तरह से वो लोग, उनको उनके ब्रेन का जो इंटेलिजेंस है, जो ब्रेन का जो पार्ट है, ये बताता है, उनका बहुत डेवलप होता है कि ये इस तरह से धुन है। कई बार अगर आप, हम सब भी ट्राई करें तो हम समझ सकते हैं कि देखिए कभी ट्रीज से कैसी आवाज आ रही है, बारिश हो रही है तो किस तरह की आवाज आ रही है, या घर में भी कहते हैं कि कुछ काम चल रहा है, कहते हैं चूड़ियों की खनखनाहट में भी सुन लेते हैं म्यूजिक सुनने वाले। तो ये भी इंटेलिजेंस है जो बहुत ही कम लोगों में होती है, बहुत रेयर लोगों में होती है। लिसन एंड रिस्पॉन्ड विद इंटरेस्ट टू अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन वॉइसेज, एनवायरमेंटल साउंड्स एंड म्यूजिक, एंड ऑर्गेनाइज सच साउंड्स इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स, है ना? तो जो जो लोग में ये वो लिसन, उनको सुनने का गुण होता है, पहली बात तो वो सुन लेते हैं, जो कि बहुत कम लोग नोटिस करते हैं कि कोई साउंड भी है इस तरह का। तो सबसे पहले तो अगर कोई इस तरह के साउंड सुन रहे हैं और उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करें, आपने देखा होगा कई लोग चिड़िया की आवाज सुन के उसकी आवाज जैसे निकालने की कोशिश करते हैं। एक आडी बर्मन के बारे में भी फेमस है कि वो जो थे वो अलग अलग मुंह से या कई इंस्ट्रूमेंट से, कभी वो गाड़ी की आवाज निकालते थे कि ट्रेन चल रही है, उनका एक बड़ा फेमस गाना है कि कैसे ट्रेन की, उसमें उन्होंने ट्रेन की आवाज खुद निकाली, ऐसा सुना है मैंने। तो इस तरह से कई बार आपने कह, कोई लोग कहते हैं कि बारिश की बूंदों की आवाज निकालते हैं, तो अगर आप इसमें जाएंगे म्यूजिक इंडस्ट्री में तो आपको पता चलेगा कि कई लोग ये सब आवाजें मुंह से निकालते हैं या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिनसे ये आवाजें निकल सकें। तो इस तरह के साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना यही करेक्टरिस्टिक है कि कोई अगर म्यूजिक को पसंद कर रहा है, अच्छा म्यूजिक सुन रहा है, गा रहा है, उसको देख के सुन के बना रहा है अलग अलग तरह के म्यूजिक्स, इट मीन्स ही और शी हैज म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इज ईगर टू बी अराउंड एंड लर्न फ्रॉम म्यूजिक एंड म्यूजिशियन, जिसे म्यूजिक पसंद है और जो सारा दिन गाना सुन रहा है, गा रहा है, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला बच्चा है। म्यूजिक इंडस्ट्रीज तो आजकल बहुत फेमस है, हम सब देख रहे हैं, इतने सारे शोज आते हैं कंटेस्टेंट के, कि जिसमें कि बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए बहुत सारी कॉन्टेस्ट होते हैं म्यूजिक में, हर चैनल में एक ना एक म्यूजिकल प्रोग्राम आता रहता है। तो और क्या क्या हो सकते हैं इसके अलावा? सिंगर के अलावा एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला आदमी क्या कर सकता है? सॉन्ग राइटर, जो राइटर्स होते हैं, दे ऑल्सो हैव म्यूजिकल इंटेलिजेंस। सॉन्ग राइटर हो गया, परफॉर्मिंग म्यूजिशियन, जो कि म्यूजिक अलग अलग तबला वादक होते हैं, सितार वादक होते हैं, पियानो टर्नर, सिंगर्स, म्यूजिकल थिएटर एक्टर, आपने कहीं देखा होगा कुछ इस तरह के एक्टर थिएटर होते हैं जिसमें कि ओनली म्यूजिक के ऊपर उनको पूरा डांस करना पड़ता है या एक्टिंग करनी पड़ती है, म्यूजिक के थ्रू ही वो, कोई डायलॉग्स नहीं होते हैं, ओनली म्यूजिकल उनकी एक्टिंग होती है, किसी म्यूजिक के ऊपर ही पूरा वो एक्सप्रेस करते हैं। स्टूडियो इंजीनियर, जो आजकल ये म्यूजिक स्टूडियोज होते हैं उनके इंजीनियर्स जो होते हैं, जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैनेजर वगैरह, तो इस तरह के भी आजकल बहुत सारे कैरियर्स आए हैं। जो रैपर्स आपने देखा है काफी फेमस हैं, बादशाह वगैरह, पहले बाबा सहगल थे, कंडक्टर, डिस्क जॉकी, फिल्म इंस्ट्रूमेंट मेकर्स जो होते हैं, कंपोजर्स जो कि धुन बनाते हैं गानों की,
म्यूजिक टीचर्स जो हैं, साउंड इंजीनियर होता है एक, म्यूजिक थेरेपिस्ट होते हैं। म्यूजिक से बहुत सारी, ये हम सबको पता है कि म्यूजिक से बहुत सारी बीमारियां हील की जाती हैं। कुछ दिनों पहले किसी शो में सोनू कुमार सानू ने बोला था कि कोई एक लड़की जो कि बहुत दिनों से आईसीयू में थी या बहुत बीमार थी, उसने कोई कुमार सानू का गाना सुना, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो गाना सुन के वो धीरे धीरे ठीक होने लगी और वो रोज एक दो बार उसके सामने वो गाना बजाया जाता था और उसने आके खुद कुमार सानू को थैंक कहा, डॉक्टरों ने थैंक कहा कि इस म्यूजिक को सुन के, आपकी इस गाने को सुन के वो ठीक हुई है। इट इज़ अ, आप कभी गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। तो म्यूजिक थेरेपी होती है जिससे कि हमारे म्यूजिक, वैसे भी अगर कोई भी सूदिंग म्यूजिक होता है तो हमें क्या करता है, वो एंजाइटी और टेंशंस को कम करता है। तो म्यूजिक को इस तरह से भी यूज करने के लिए म्यूजिक थेरेपिस्ट का भी कैरियर हम सबके सामने खुला हुआ है। आपको म्यूजिकल इंटेलिजेंस है किसी को या बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए? प्ले म्यूजिकल गेम्स विद फ्रेंड्स, spend more 1 hour each week listening to an unfamiliar style of music, है ना? अगर किसी को म्यूजिक में अपना कैरियर बनाना है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के म्यूजिक सुनने चाहिए, जैसे ओरिएंटल है, अफ्रीकन है, है ना, हर देश के, हर कॉन्टिनेंट का जो भी अलग अलग टाइप के म्यूजिक्स हैं उनको वो सुनने चाहिए। establish a regular family sing along time like karaoke, तो इस तरह से एक टाइम जो है वो फिक्स करना चाहिए फैमिली में कि जिसमें कि सब लोग कुछ ना कुछ गाएं। जैसे पहले हम सब लोग क्या करते थे, अंताक्षरी खेला करते थे। तो अगर आपके घर में म्यूजिक का इंटरेस्ट है, और नहीं भी है अगर किसी एक बच्चे को है, तो उसको गाने के लिए हमेशा इनकरेज करें। क्रिएट द राइट मूड यूजिंग म्यूजिक, म्यूजिक के थ्रू सबका मूड ठीक कर सकते हैं। लिसन फॉर नेचुरली अकरिंग राइम्स और मेलोडीज सच एज फुट स्टेप, चिरपिंग बर्ड्स और वेव्स, है ना? तो इस तरह से अगर आप भी कभी गार्डन में बैठे हैं तो आप आंखें बंद करके बर्ड्स की आवाज सुन सकते हैं। आप ये सुन सकते हैं कि किस तरह से जो पत्तों की आवाज आती है ट्रीज में, कीड़ों की, छोटे छोटे कीड़ों की आवाज आती रहती है कई बार, या फुट स्टेप किसी का आता है तो किस तरह से उसमें से साउंड निकलता है, या वेन यू आर इन बीच तो आप बीच में लहरों की आवाजों को सुन सकते हैं कि वेव्स किस तरह से आ रही हैं, किस तरह से। तो जब ये ऑब्जर्व करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे म्यूजिकल इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है। मेक अप योर ओन ट्यून्स, ट्यून बना सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल म्यूजिक यू हेयर इन द कोर्स ऑफ द डे, एक रिकॉर्ड रखिए कि मेरे को ये म्यूजिक समझ में आ गया है। पुट ऑन बैकग्राउंड म्यूजिक वाइल ईटिंग, वर्किंग और स्टडिंग, कई लोगों को देखा होगा कि वो खाना खाते समय, गाना या कुछ भी काम करते समय म्यूजिक चलाते हैं। तो इस तरह से जब आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें कि आपका माइंड ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो आप गाना सुन सकते हैं उस समय। क्लोज योर आईज एंड आइडेंटिफाई वेयर सर्टेन साउंड्स आर कमिंग फ्रॉम, है ना? तो इस तरह से आंखें बंद करके आप आवाज की डायरेक्शन और डिस्टेंस को पहचानने की कोशिश करेंगे तो इन सब से क्या होता है, धीरे धीरे म्यूजिकल इंटेलिजेंस डेवलप होने लगती है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल, इस इंटेलिजेंस का मतलब होता है कुछ लोग दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड न होके हर बात को दूसरे के नजरिए से भी देखते हैं। Anybody who deals with other people has to be skilled in interpersonal sphere। जहां पे इस तरह की जरूरत पड़ती है जब आप लोगों से बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप दूसरे के मेंटलिटी, उसके सिचुएशंस को भी समझें। और इसी इंटेलिजेंस को कुछ लोगों में, ये गॉड गिफ्टेड या बोर्न बचपन से ही होती है उनको, तो इस इंटेलिजेंस को बोला जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, योर ब्रेन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो ये लोग दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं जिसमें ये इंटेलिजेंस होती है। कैसे होती है, करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं ऐसे लोगों के।
इनका बॉन्ड जो होता है पेरेंट्स के साथ और अपने रिलेटिव या अपनी फैमिली के लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी बातें समझा पाते हैं, कम्युनिकेशन बहुत ओपन करते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं। फॉर्म एंड मेंटेन्स सोशल रिलेशनशिप, ऐसे लोग जो हैं अपने सोशल रिलेशनशिप बना के चलते हैं, सबके साथ रिलेशनशिप रखते हैं, सबको खुश रखते हैं, सब ऐसा नहीं कि मैं कोई रिलेटिव नाराज़ हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या नहीं रखना है, अकेले रहेंगे, इम्पॉर्टेंस नहीं देंगे रिलेशनशिप्स को। तो ये हर रिलेशनशिप को इम्पॉर्टेंस देते हैं, सबसे बना के चलते हैं, मिलनसार जिसको आप कह सकते हैं होते हैं। एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट इन टीचिंग, सोशल वर्क, काउंसलिंग और पॉलिटिक्स। ज़्यादातर इनका इंटरेस्ट किस में होता है? सोशल वर्क में, काउंसलिंग, पॉलिटिक्स, टीचिंग, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा दूसरों के को समझने की ज़रूरत पड़ती है। सोशल वर्क जब आप करते हैं, आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसकी मेंटलिटी को समझना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही किसी को जाके आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। काउंसलिंग, काउंसलिंग करने के लिए भी सबसे पहले सबसे बड़ा गुण होता है, कहते हैं लिसनिंग। आपको 80% 60-70% आपको सुनना पड़ता है केवल कि क्या चाहता है या उसकी फीलिंग्स क्या है। आपकी सलाह सबसे बाद में 20-30% होती है जो आप उनको कुछ सजेशंस देते हैं, लेकिन काउंसलिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज लिसनिंग। तो जो दूसरों की फीलिंग्स को सुनता है बहुत धैर्य से, बहुत सहानुभूतिपूर्वक सुनता है, तो ऐसे लोग जो दूसरों को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, या पॉलिटिक्स में ये होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट गुण है, पर अगर कुछ लोग दिखावे के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, या जैसे कि देखा है कि पॉलिटिक्स में आपको बहुत लोगों के साथ मिल के अलाइंस बनाने पड़ते हैं, जोड़ तोड़ करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी ये इंटेलिजेंस काम में आती है। एंड टीचिंग, ऑफकोर्स टीचिंग में तो एक टीचर को बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो अगर टीचर बच्चों को केवल ब्लाइंडली केवल एक ड्राई टीचिंग करेगी, लेक्चर्स देगी, तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। उसे बच्चों के मूड्स को समझना पड़ता है, उनकी फीलिंग्स। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल, हर बच्चा अपने आप में यूनिक, तो एक टीचर को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है कि वो दूसरों की भावनाओं को, बच्चों की, पेरेंट्स की फीलिंग्स को समझ सके। कम्युनिकेट वेल वर्बली, ऐसे लोगों को बातचीत करने की कला बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। आर स्किल्ड एट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन, जो बोल के, तो इनका बोलने का, वाणी का भी बहुत अच्छा इनका गुण होता है, और दूसरा इनकी बॉडी लैंग्वेज, या जिसको कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आँखों से बोल देना, या अपनी बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से वो बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके सामने वाले को उसको एक शांत कर सकते हैं, उसको सहानुभूति दे सकते हैं, तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, तो ये बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं उसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग। सी सिचुएशंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, तो इनका एक होता है कि ये हर सिचुएशन को थोड़ा डिफरेंट एंगल से भी देखना पसंद करते हैं, तभी वो जब वो दूसरे के नज़रिए से देखते हैं, हर बार एक ही नज़रिए से अगर आप प्रॉब्लम्स देखेंगे तो कई बार सॉल्यूशन नहीं निकलता है। व्हेन यू सी द सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट एंगल, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स। जैसा कि पहले बताया कि रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनाते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप इनका बहुत मिलनसार होते हैं, बड़ा नाम होता है इनका सोसाइटी में, सब पसंद करते हैं ऐसे लोगों को, हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं, सबके साथ बना के चलते हैं, तो बहुत पॉपुलर होते हैं अपने ग्रुप में, अपनी सोसाइटी में। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रुप सेटिंग्स, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ मारामारी हो रही है, बहस हो रही है, डिबेट्स हो रहे हैं सोसाइटी में, तो इस तरह वो क्या करते हैं, वो सॉल्व करने की इनके में कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये इस तरह इनमें ये स्किल्स होती हैं कि ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से लोगों को शांत कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, दोनों को आपस में बिठा के ये समझौता भी करा सकते हैं। What are the careers with interpersonal intelligence?
एडमिनिस्ट्रेटर जो स्कूल में होते हैं, कॉलेज में या कहीं भी किसी भी संस्था में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको इस इंटेलिजेंस, इस स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स उनके पास होनी चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्बिट्रेटर, काउंसलर, मैनेजर, नर्स, पर्सनल डायरेक्टर्स, पॉलिटिशियंस, पब्लिक रिलेशन जो ऑफिसर्स, पीआर्स होते हैं, जो सेल्स पर्सन, ऑफ कोर्स उन्हें तो होना ही चाहिए, तभी तो वो कुछ सेल कर पाएंगे। आपने देखा होगा कुछ दुकानों पे बहुत अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, इसलिए आप उस शॉप पे बार बार जाते हैं, क्योंकि वो आपसे महंगी से महंगी चीज़ भी बड़े प्यार से खरीदवा लेते हैं। स्कूल प्रिंसिपल्स, सोशियोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, टीचर, ट्रेवल एजेंट, रिलीजियस लीडर्स, तो जैसे हम देख रहे हैं मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, अन्ना हजारे, तो जितने भी सोशल वर्कर्स हैं या जितने भी पॉलिटिशियन हैं जिनका नाम इसलिए है कि उन्होंने सोशल वर्क किया है, बहुत ध्यान दिया, जैसे नेल्सन मंडेला हैं, उन्होंने एक सोशल एक्टिविस्ट से होकर उन्होंने प्रेसिडेंट तक की दूरी तय की, और उन्हें सब बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो सबका सुख दुख बहुत अच्छे से समझते थे। तो इस तरह से जो नर्स होती हैं, आपने देखा होगा नर्स बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंटली बात करती हैं अपने पेशेंट से, तो उनमें ये स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि अगर नर्स को ही पेशेंस नहीं होगा या वो दूसरों का दर्द नहीं समझेगी तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर सकती हैं। काउंसलर्स, ऑफ कोर्स जितने भी काउंसलर्स होते हैं उनमें ये स्किल्स मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारे जो कैरियर्स हैं यू कैन परस्यू इफ़ यू हैव इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। व्हाट आर द रेमेडीज? प्लान्ड विजिट्स एट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर या आपके बच्चों के अंदर ये स्किल होनी चाहिए, तो आपको वीकेंड्स पे या मंथ में एक बार आपको, या कभी भी जब मौके पड़ते हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर विजिट जरूर करिए। उससे आपस में एक बॉन्ड बनता है, बच्चे बातचीत करना सीखते हैं, रिलेशंस का इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो क्या करना चाहिए कि विजिट करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के घर, कभी भी जब भी मौके आते हैं, शादियां होती हैं, बर्थडे होते हैं, तो जाके उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। विजिटर बुक मेंटेनेंस असाइनमेंट, ये इस तरह की एक्टिविटी है कि बच्चों को आप, अगर कोई बच्चा बहुत गुमसुम रहता है या बातचीत नहीं करना पसंद करता है, तो उसे अगर आप चाहते हैं कि उसमें ये स्किल डेवलप हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि उसे एक बुक ला के दीजिए, डायरी ला के दीजिए, और उसमें लिखिए कि कौन सा विजिटर हमारे घर आया था, क्यों आया था, उसकी क्या क्या खासियत है, वो कौन है, क्या है, तो उसके बारे में एक लिखें कि वो लोग, तो इससे क्या होगा, उनमें लोगों के प्रति एक इंटरेस्ट बढ़ेगा कि अच्छा ये क्या क्या था, इसमें उसने क्या क्या किया था, कैसी बात की थी, अच्छा था, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, तो एक थोड़ा सा विजिटर के लिए, उनको लिखने के लिए जब आप बोलेंगे तो वो इंटरेस्ट लेने लगेंगे कि हमारे घर जो आ रहे हैं विजिटर, तो हम उनके साथ बैठे, उनकी बातें सुने या उनसे कुछ सीखें। सोशल सर्विस करने से भी जब आप दूसरों के दुख देखते हैं या ये देखते हैं कि किस तरह से उनको, अगर आप लाइन्स क्लब, रोटरी क्लब्स, इस तरह किसी क्लब्स के साथ सोशल सर्विस करते हैं, तो आपके में एक कंपैशन की भावना आती है लोगों के प्रति, उनका कि कैसे लोगों की तकलीफ दूर की जाती है। क्लब पार्टिसिपेशन, टीच समवन टू समथिंग, टीचिंग जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा देती है, क्योंकि टीचर को सबसे पहले खुद सीखना पड़ता है, तो जब आप दूसरे को समझाना चालू करते हैं तो आप केवल ड्राई होके किसी को नहीं समझा सकते, आपको उस बच्चे के साथ बातचीत करनी पड़ती है, या किसी को भी, जब भी आप अपने स्टूडेंट को कुछ भी समझा रहे हैं, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, तो आपको उसकी फीलिंग्स समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड भी ऐसा ही होता है कि वो एक दूसरे के इमोशंस, फीलिंग्स को समझने लगते हैं। निगोसिएशंस वाइल बाइंग, तो बच्चों से निगोसिएशंस थोड़ा सा करवाइए कि क्या डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है, कैसे मिल सकता है डिस्काउंट, तो ये इस तरह से करने से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। ग्रुप टीम स्पोर्ट्स, जब टीम स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जब कोई भी टीम बनती है या कोई ग्रुप स्पोर्ट्स खेलता है, तो उनमें आपस में बॉन्डिंग बढ़ती है।
एक दूसरे के लिए, ऐसी बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं जिसमें कि लोग भले ही एक दूसरे के अपोजिट सोचते हैं या एक दूसरे के बहुत विरोधी होते हैं, लेकिन जब वो एक साथ एक टीम में आते हैं तो एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। जैसे कि चक दे इंडिया वगैरह, हमने देखा कि किस तरह से वो गर्ल्स जो थी वो आपस में उनकी बहुत कॉम्पिटिशन होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो आपस में उनका यूनियन होने लगा अटेंड, क्योंकि एक कॉमन गोल बन जाता है अटेंडेंट फैमिली स्कूल और वर्क रिलेटेड फंक्शंस और रियूनियंस। तो जब भी इस तरह के फंक्शंस या रियूनियंस होते हैं उसमें जरूर अटेंडेंस देनी चाहिए, खुद भी जाना चाहिए, बच्चों को फैमिली को लेके जाना चाहिए, आपस में मिलवाना चाहिए एक दूसरे से, जिससे कि वो थोड़े से सोशल उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो। स्पेंड 50 मिनट अ डे ऑब्जर्विंग इंटरेक्शन बिटवीन पीपल इन अ पब्लिक स्पेस। अगर आप ये डेवलप करना चाहते हैं इंटरपर्सनल स्किल, तो कभी कभी आपको भीड़ भाड़ में, जब आप ट्रेन में या बस में जाते हैं, तो अब लोगों को बात करते हुए देखिए कि किस तरह से दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, और उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए उनकी। ऐसा नहीं है कि उनकी चुप करके हमें बातें सुननी है, बट हमें उनका, हमें उनको ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनके आँखों के हाथों के हाव भाव क्या हैं। तो इस तरह से आप को एक समझ आएगी कि आप खुद समझ सकते हैं कि क्या वो दोनों का जेन्युइन बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है। आप कई थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ ये सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। टीच समवन समथिंग यू हैव लर्न्ड रिसेंटली, कोई भी आप स्किल सिखाएंगे किसी को भी तो आपका एक बॉन्ड बनेगा। व्हेन स्पीकिंग विद पीपल प्रैक्टिस आस्किंग क्वेश्चंस एंड लिसनिंग, तो सबसे पहले तो कहते हैं लिसनिंग, सुनना चाहिए। कभी भी जब भी आप किसी ग्रुप में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा सुनिए, बोलिए कम, और धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस करिए उनके साथ जिसका कि कोई आंसर देगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं है, अगर आप किसी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो जब आप एक आध क्वेश्चन करेंगे तो लोगों का ध्यान भी आपके पास जाएगा, और वो किस तरह से आपको आंसर्स करते हैं तो आपको भी सीखने को मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने मुझे आंसर किया। तो इस तरह से जब भी हमें बच्चों में या अपने में ये स्किल्स को डेवलप करना है, वी कैन डू विद दीज प्लान्स। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज सेल्फ नॉलेज एंड द एबिलिटी टू एक्ट एडेप्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज। अभी तक हमने क्या देखा, एक होती है इंटरपर्सनल, जिसमें कि हम दूसरे लोगों को समझते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है जब हम अपने आप को समझने लगते हैं, हम अपने आप से कैसे बात करते हैं या अपने बारे में हम क्या सोचते हैं, और हम उस नॉलेज के बेस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। उसको समझना, अपने आप को समझना कहलाता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। It is your brain's ability to understand awareness of inner moods, intentions, motivations, temperaments, desires, and the capacity for self-discipline, self-understanding, and self-esteem. जब आप अपने को कई बार आप देखिए, किसी से पूछिए आपने ये क्यों किया, तो पहला जवाब होता है मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया, है ना। कोई कहता है कि मेरा मूड खराब हो गया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, है ना, मुझे पता ही नहीं है मैंने ये। कहते हैं ना कि एक बड़ा अच्छा अर्जुन का सवाल आता है गीता में कि कृष्ण न चाहते हुए भी मैं ये अपराध कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लूं, कैसे हो जाते हैं हमसे, है ना। तो कृष्ण बोलते हैं कि गीता क्या है, गीता सबसे बड़ी मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी बुक मानी जाती है। कि गीता में कृष्ण आंसर करते हैं अर्जुन को कि अपने आप को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, अपने आप को आत्मा समझना, है ना। तो वो उनको आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो जब आप अपने को समझने लगते हैं, इनर मूड्स, तो कहा जाता है कि गीता जो है, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को क्या हुआ, उनको आत्मज्ञान, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उनकी जो थी, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज क्या मिला कि मैं आत्मा हूँ, है ना। तो ये अवेयरनेस देना, यही अवेयरनेस कुछ लोगों में बहुत अच्छी होती है। वो अपने समझते हैं कि अब मेरा मूड कैसा है, मेरा इंटेंशन क्या है, कैसे मोटिवेशन, कैसे मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकता हूँ, क्या क्या मेरी इच्छाएं हैं, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तो एक बहुत क्लियरिटी होती है उनके सोचने में,
उनका वो सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को, उनको किसी और को नहीं वो कोई कर सकता है। तो जो अपनी अपने आप को समझने का गुण है, अपने आप को समझने की जो इंटेलिजेंस है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लोगों में ये इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होती है? एनालाइज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वेल। उन्हें अपनी कमजोरियां और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो उनके में अच्छी बातें हैं, जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं, वो दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। वो कोई भी काम करने से पहले वो ये जान समझते हैं कि मेरे अंदर क्या ये करने की शक्ति है, या मेरे अंदर कौन कौन सी वीकनेस हैं जो मुझे इस काम में फेल कर सकती हैं। तो वो अपना एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं, वो बहुत अच्छे से अपने आप को जानते हैं। Enjoy analyzing theories and ideas. तो जितने भी spiritual ideas हैं, religions के ideas हैं, तो उनको इन सब theories में interest होता है कि कैसे क्या है, God क्या है, spirituality क्या है, या हर धर्म की क्या बातें हैं। तो इस तरह की जो metaphysics वाली बातें होती हैं, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। Have excellent self-awareness. अपने बारे में अवेयर होते हैं बहुत अच्छे उनमें। ये आप देखेंगे कि कुछ लोग बहुत क्लियर आपको हाँ या ना बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो इस तरह के लोगों में एक अपने बारे में अच्छी पता होता है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे कर दिया, किसी के कहने पे नहीं किया। अंडरस्टैंड द बेसिस फॉर हिज और हर ओन मोटिवेशंस एंड फीलिंग्स। किससे मोटिवेट होना है, किस चीज के लिए मोटिवेट होना है, अपनी फीलिंग्स क्या हैं, इन सब को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप में इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस है, तो आप कैसे कैरियर्स चूज कर सकते हैं? अगर आप प्रोफेशनली कोई कैरियर चूज करना चाहते हैं, तो क्लर्जीमैन, प्रोग्राम प्लानर, प्रोग्राम प्लानर, साइकोलॉजी टीचर, थियोलॉजियन, स्पिरिचुअल काउंसलर, एंटरप्रेनर, साइकेट्रिस्ट, फिलोसोफर, रिसर्चर, साइकोलॉजिस्ट। आपने देखा होगा कि जैसे कि आजकल इस तरह से बहुत सारे, जैसे रविशंकर जी हैं, सद्गुरु हैं, और भी बहुत सारे जो इस तरह से धार्मिक गुरु हैं, वो जो हैं उनमें बहुत अच्छी इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होती है स्वयं को समझने की। एंटरप्रेनर्स जो होते हैं, हम उनमें रतन टाटा जी का नाम ले सकते हैं, क्योंकि बिजनेस जब आप करते हैं तब आप एक सर्टन रिस्क लेके करते हैं। जितने भी लोग आज बिजनेस में स्टार्टअप्स कर रहे हैं, या जो अगर ठीक है कुछ लोग 2-4 साल 5 साल में खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन जो लंबी रेस के घोड़े हैं या जिन्हें हम बहुत सालों से जानते हैं, ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सर्टेन होते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना है, ये काम करना है और इसमें इसमें सक्सेसफुल होना है। तो आप इसका एग्जांपल रतन टाटा जी के जीवन से ले सकते हैं, मूर्ति सुधा मूर्ति वगैरह हैं, चेतन भगत हैं, कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में धीरे धीरे अपने को समझा और उसके अनुसार अपने को चेंज किया। सेगमेंट फ्रायड जो हैं, वो बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्हें लोगों को समझने में, अपने अपने को समझने में उन्हें बहुत इंटरेस्ट है। तो अगर आप उनकी बुक्स पढ़ते हैं तो आपको ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में, आईडी जो उन्होंने बताया कि आईडी होती है, इदम होता है, सुपर ईगो होता है, ईगो होता है, ये सब उन्होंने अपने आप को देख के समझा। एंड जैसे कि हमने देखा है रॉबिन शर्मा हैं, दीपक चोपड़ा हैं, इस तरह के बहुत सारे जो काउंसलर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये फिलोसोफर्स हैं। तो ये आपको जिंदगी के बारे में, अपने बारे में समझना सिखाते हैं। तो इनकी बुक्स पढ़ सकते हैं और इनसे मोटिवेशन लेके, अगर आपके अंदर भी इस तरह के स्किल्स हैं, यू कैन ऑल्सो चूज दीज कैरियर्स। कैसे हम अपने आप में बढ़ा सकते हैं इंट्रापर्सनल जो है इंटेलिजेंस? मेडिटेशन करना जो है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग और सबसे बेसिक
है, ये पहला, जैसे कहते हैं ना, पहला पायदान है, पहली सीढ़ी ही मेडिटेशन होती है। जब भी आप, जब आप मेडिटेशन सीखते हैं, जितने भी लोग हैं अगर मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें पता होगा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कहा जाता है आंखें बंद करके, अपनी आंखों को बंद करके अंदर की दुनिया देखो, है ना। बाहर की दुनिया हम बाहर की आंखों से देखते, जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अपने अंदर के स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो मेडिटेशन इसलिए मस्ट होता है, जब भी आपको इंट्रा पर्सनल स्किल, कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं, तो आपको ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, या जिसको भी आप चाहते हैं कि उसके अंदर बढ़े उसको मेडिटेशन सीखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। एस्टेब्लिश अ क्वाइट प्लेस इन योर होम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। आपको कभी भी, कहते हैं कि दिन की शुरुआत और रात को कभी भी एक टाइम या दोनों ही टाइम आपको रात को सोते समय अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आज मैंने दिन भर में क्या बोला, क्या कहा, या क्या प्लानिंग की थी, क्या फेल हुई, क्या सक्सेसफुल हो गई, क्या प्लानिंग है, या मेरा बिहेवियर आज कैसे रहा। तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए 5-10 मिनट बैठ के, एकदम शांति में अपने साथ बैठ के, या सुबह को उठ के मेडिटेशन करते समय, मेडिटेशन करने के बाद आपको अपना एक पूरा दिन का एक बनाना चाहिए प्रोग्राम की आज मैं जो कल गलतियां हुई वो मैं आज नहीं करूंगा। तो इस तरह से जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमारे अंदर अपने को समझने की ताकत बढ़ती है। टीच योर सेल्फ समथिंग न्यू सच ए स्किल, लैंग्वेज और सब्जेक्ट विच इंटरेस्ट यू। तो क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा नया सीखना चाहिए जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये सच में मेरा इंटरेस्ट था या केवल मुझे थोड़े समय के लिए इंक्लाइनेशन हो गया था। तो और नई नई लैंग्वेजेस सीखने से, नई नई बातें सीखने से आपको अपने में, आप अपने आप को इनरिच करते हैं। डेवलप एन इंटरेस्ट और हॉबी, अगर आपके में नहीं है तो आपको ऐसी, अगर आपके पास टाइम है आपको कोई ना कोई एक हॉबी या इंटरेस्ट जरूर परस्यू करना चाहिए। रीड सेल्फ हेल्प बुक्स ऑन असर्टिवनेस और डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसी बुक्स बहुत हैं बाजार में जो पढ़नी चाहिए आपको, रॉबिन शर्मा की, दीपक चोपड़ा की, जिसमें कि, या जो आजकल आर्ट ऑफ लिविंग के और ईशा के कई बुक्स आते हैं जिसमें कि या जैसे एक बुक बहुत ही फेमस हुई है, सीक्रेट करके बुक है, किसी इंग्लिश ऑथर की है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी। तो उस बुक में कि आपको कैसे आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आप अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं। विजिट म्यूजियम्स एंड प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो आपको ऐसी चीजें जानी चाहिए जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना चाहिए, वहाँ पे जाके आपको म्यूजियम्स में और ऐसी चीजों में जाके देखना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपको अंदाजा होता है, आपको थोड़ा थोड़ा एक इंट्रोस्पेक्शन करने का। रीड बायोग्राफीज, जो बड़े बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग हुए हैं, रिलीजियस लोग हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है। सेट शॉर्ट्स एंड लॉन्ग टर्म गोल फॉर योरसेल्फ। कुछ ना कुछ गोल्स जरूर सेट करिए लाइफ में, पहले छोटे छोटे करिए फिर थोड़े बड़े बड़े करके, इस तरह से उससे आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन की आदत पड़ेगी और आपको ये समझ में आएगा कि जीवन का उद्देश्य मेरा क्या होना चाहिए। मेक टाइम फॉर योर सेल्फ टू डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। हम सबको एक एक काम तो पूरे दिन में अपने लिए जरूर करना चाहिए। कहते हैं कम से कम आपको आधा घंटा अपने लिए दो, क्योंकि हम सब अपने परिवार के लिए बहुत टाइम देते हैं। जो वुमेन्स हैं वो खाना बनाती हैं, किचन का काम करती हैं, ऑफिस का काम करती हैं, भागती रहती हैं, लेकिन कहते हैं सेल्फ लव। तो जब आप सेल्फ लव बढ़ाते हैं अपने लिए, है ना, जिस शरीर से, जिस बॉडी से आप पूरे संसार की सेवा कर रहे हैं, पूरी फैमिली के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर हम जब भी आप बीमार होते तो आप कहते हैं मैं सारे घर के लिए ही तो कर रहा हूँ, मैं घर के लिए ही तो घर को टाइम नहीं दे रहा हूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं घर के लिए पैसे कमाने गए और घर से बाहर ही रह गए। तो जेंट्स जो होते हैं वो कई बार कितना कितना टाइम घर से बाहर रहते हैं, वो केवल घर में खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह उठ के फिर खाना खा के चले जाते हैं। तो अपने लिए किसी के पास टाइम ही नहीं होता है। तो सुबह का आधा घंटा
अपने लिए निकालिए, अपनी हॉबीज को करिए, रोज करिए, केवल संडेज को नहीं। कई कई लोग तो संडे को भी सोते रहते हैं कि बहुत थक गए हैं, आज आराम करेंगे, सोएंगे। अपने लिए कोई ना कोई हॉबी, जिस चीज में आपको बचपन में बहुत इंटरेस्ट आता था वो करिए, ड्राइंग्स करिए, क्राफ्ट के काम करिए, कुछ भी करिए, छोटे छोटे काम करिए, बच्चों के साथ वॉक करिए। तो इस तरह से जब आप वॉक करते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप अकेले भी घूमने जाइए, उससे क्या होगा, आपको इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिलता है। और फॉर गॉड सेक, मोबाइल और जो है वॉकी टॉकी और गाने वाने सुनते हुए कभी भी वॉक नहीं करना चाहिए। वॉक हमेशा बहुत ही आप नेचर को देखते हुए करिए, तब आपको असली इंट्रोस्पेक्शन होता है, तब आपका इंट्रा पर्सनल स्किल्स सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, जब आप अकेले बैठते हैं विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो जब आप एकांत का मजा लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप कैसे हैं या आपके अंदर की फीलिंग्स क्या हैं। तो टेक 10 मिनट्स एवरी इवनिंग टू मेंटली रिव्यू द वेरियस थॉट्स एंड फीलिंग्स यू हैड ड्यूरिंग द डे, है ना। ये वही बात है कि सुबह और शाम को आपको 10-10 मिनट, 15-15 मिनट अपने लिए जरूर देने हैं कि मेरे मन में चल क्या रहा है। अगर आप अशांत हैं तो क्यों अशांत हैं, क्या कारण है, खुश है तो क्यों है, क्या करना है मुझे, है ना। ऐसे केवल एक ब्लाइंडली रोज सुबह उठ के भागना, मशीन की तरह भागना दौड़ना नहीं करना है। जीवन जीने, जीवन इसका नाम नहीं होता है। स्पेंड टाइम विद पीपल हु हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ। ऐसे लोगों की संगत में जरूर जाना चाहिए जो लोग हाईली स्पिरिचुअल या हाईली इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रखते हैं, जैसे कि इसी तरह के आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर्स हैं या सत्संग होते हैं, जहाँ पे कि आपको अपने बारे में इस तरह की बातें समझने को मिलती हैं। इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करने चाहिए, या इस तरह के लोग अगर आपके आसपास हैं तो उनके साथ जरूर आप बातचीत करिए। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल्स हु आर हाई इन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर मोर इन ट्यून विद नेचर एंड आर ऑफन इंटरेस्टेड इन nurturing, exploring the environment and learning about other species. ऐसे लोग जिनको नेचर में बहुत इंटरेस्ट होता है, जैसे कि उनको नेचर की, किसी को एनिमल से बहुत प्यार है, किसी को प्लांट्स से, जो पेड़ पौधों में आप देखेंगे आजकल एक पीपल बाबा करके एक हैं, जो कि उनका क्या है, उनका मूवमेंट है कि गिव मी सीड। तो वो कहते हैं कि मुझे सीड्स इकट्ठे करके भेजो, और उनको वो जाके प्लांटेशन करते हैं जंगलों में और खाली जगहों पे। तो और वो ये सब चीजें निस्वार्थ भाव से, बिना किसी पैसे के, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो पैसों का लेन देन नहीं है, उन्हें नेचर से प्यार है। तो ऐसे लोग जिन्हें नेचर को, नेचर में रहना, नेचर को बचाना, जितने भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए चल रहे हैं मूवमेंट, तो ऐसे लोग जुड़ते हैं जिन्हें नेचर से प्यार है, है ना। तो इस तरह की ये इंटेलिजेंस इनमें बहुत डेवलप होती है। तो उनका एक नेचुरल इंक्लाइनेशन होता है टुवर्ड्स एनवायरमेंट, टुवर्ड्स नेचर। जैसे वॉक करना, कई लोगों को सुबह वॉक करना बहुत पसंद होता है, नेचर में ऊपर पहाड़ों पे चढ़ना। जितने भी आपको माउंटेनियर मिलेंगे जिन्हें पहाड़ों में मजा आता है, क्योंकि हर किसी को, कई लोग बहुत बोर हो जाते हैं जंगलों में जाने में और पहाड़ों पे जाने में, सब किसी को नहीं आता है मजा। तो जो नेचुरलिस्ट होते हैं वही, ये उनको ही मजा आता है, क्योंकि उनमें ये इंटेलिजेंस होती है कि वो नेचर को समझ सकते हैं, नेचर को इंजॉय करते हैं। योर ब्रेन्स एबिलिटी टू कनेक्ट विद द नेचुरल एनवायरमेंट अराउंड यू, द वे योर ब्रेन supports you connect with your five senses, smell, hear, taste, see and touch. It means कि आपके brains की ये ability है, intelligence means your ability, कि आप nature से connect हो जाते हैं, है ना। nature से जो भी आपके आसपास हैं उनसे आप connect हो पाना, अपने environment से। आपका ब्रेन, अगर किसी में ये नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस है तो ये सपोर्ट करता है ब्रेन में, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस है, कैपेसिटी है,
तो ही आपको वो अच्छा लगेगा, या आपके लिए उसके मन, आपके मन में कुछ करने की फीलिंग होगी कि मैं इस एनिमल के लिए कुछ करूं। एनिमल रेस्क्यू करते हैं कई लोग स्ट्रीट डॉग्स को देखिए फूड देते हैं। जब कोरोना के लॉकडाउन का टाइम आया तो सब काफी लोगों को केवल इंसानों की चिंता थी, आप देखिए उसमें फिर ऐसे वीडियो आए जो कि उनको ये उन लोगों को ये चिंता होने लगी कि जो स्ट्रीट डॉग थे वो कहाँ गए, उनको खाना कौन देगा, जिनको रास्ते में हम लोग रोज खाना मिल जाता था, अब कहाँ से उनको खाना मिलेगा। तो देखिए सबके दिमाग में ये बात नहीं आई, सब लोग ज्यादातर लोग इंसानों के लिए सोच रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे, है ना, और कुछ लोग ऐसे थे जो एनिमल्स के बारे में सोचते हैं। तो एक स्मेल, जिन्हें की जो नेचुरल स्मेल है, जो स्मेल उनको एनवायरमेंट की जोड़ने में, अब कौन कौन से जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जब वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें हर चीज वो नेचुरल समझ में आए। जैसे कई लोगों का स्मेलिंग सेंस देखिए बहुत अच्छा होता है, कई लोग छोटी छोटी आवाजें सुनना या हर एनिमल की अलग अलग आवाजें सुनना, उन्हें कॉपी करना, उन्हें निकालना, ये भी नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस ही है। टेस्ट है ना, हर किसी को टेस्ट अच्छा नहीं होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको खाने का टेस्ट सही सही बताते हैं कि कैसा टेस्ट होना चाहिए या इसमें क्या कम ज्यादा है। आंखें क्या देखती हैं, क्या देखना पसंद करती हैं नेचर में, टच करके, है ना। तो ये जो 5 सेंसेस जो है हमारे, जब वो हमें नेचर से कनेक्ट होके बताते हैं तो उससे बोला जाता है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। जैसे कि इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट सच एज बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी, है ना। सबसे पहले तो ऐसे बच्चे जो होते हैं या ऐसे लोग होते हैं, उन्हें बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी, जो भी लिविंग थिंग्स के अराउंड उनकी लाइफ घूमती है। गुड एट स्मेल एंड टेस्ट सेंस, इनके टेस्ट सेंसर्स और स्मेल सेंसर्स बहुत अच्छे होते हैं। खुशबू सूंघना, अलग अलग फूलों का समझना, खुशबू देखना, उनको टच करना, और टेस्ट खाने का, फूड का टेस्ट का इनके ऊपर बहुत अच्छा सेंस होता है। मैनी इंजॉय कैंपिंग, गार्डनिंग, हाइकिंग एंड एक्सप्लोरिंग द आउटडोर्स। अब देखिए ऐसे लोगों को आउटडोर नेचर में जाना बहुत पसंद आएगा, जो भी आउटडोर गेम्स हैं वो खेलना पसंद करेंगे, गार्डनिंग करना, हाइकिंग करना पसंद आती है, कैंपिंग करेंगे जाके बाहर। रिकॉग्नाइजेस एंड कैन नेम मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, फ्लावर्स एंड प्लांट्स। ऐसे लोगों को अलग अलग ट्रीज के नाम याद रहते हैं, फ्लावर्स याद रहते हैं, क्या है, कौन सा फ्लावर कैसा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या उसका जो भी है कि किस तरह के उसके एक होता है विन्यास होता है फूलों का, तो मतलब उनको इंटरेस्ट आता है इस सब में। कई लोगों को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुलाब का फूल है कि कमल का फूल है कि किसका फूल है, लेकिन कुछ लोग आपको माइनर माइनर डिफरेंसेस बताएंगे, या अपने घर में बहुत सारे फूल पौधे लगाना पसंद करेंगे, याद करेंगे, उनके नेम उनको याद होते हैं। इस तरह के इंटेलिजेंस जो है वो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होती है। व्हाट आर द कैरियर्स विथ नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस वी कैन परस्यू? वेटरनरी, एक तो डॉक्टर होते हैं जो ह्यूमंस के डॉक्टर हैं, दूसरे कौन होते हैं, वेट डॉक्टर होते हैं जो कि एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं। तो कोई भी जिसको पैशन होगा एनिमल्स के लिए वही इस लाइन में जाना पसंद करते हैं मोस्टली, क्योंकि अगर आप एनिमल्स को प्यार करना पसंद करते हो तो। एनिमल स्कॉलर्स है ना, ये जानवरों के बारे में पढ़ाई करना, उनके बारे में नई नई खोज करना, एनिमल्स को ट्रेन करना, तो ये एनिमल स्कॉलर होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, ये सबको पता है जो कि नेचर में क्या है क्या नहीं है उसको देखना पसंद करते हैं, पुरानी चीजें खोजना। प्लांट स्कॉलर, प्लांट के जो उसके बारे में बहुत डीपली स्टडीज करते हैं। शेफ, शेफ ज्यादातर नेचुरलिस्ट क्यों बोले जाते हैं इनको, क्योंकि इनमें खाना बनाने के लिए पैशन कि हम खाने को किस तरह से नई तरीके से बनाएं, किस तरह से उसे सर्व करें और ज्यादा टेस्टी कैसे बताएं, तो इट मींस देयर टेस्ट सेंसर्स आर वेरी डेवलप्ड। कोर्टयार्ड डिजाइनर, ये इसको इट इज अ गार्डनर या माली जिसको हिंदी में बोलते हैं, बट आजकल एक बहुत अच्छे कैरियर के रूप में इम्प्रूव हो चुका है, क्योंकि होटल्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज हैं
उनके जो गार्डन होते हैं उनको मेंटेन रखने के लिए, उनका डिजाइन करने के लिए कोर्टयार्ड डिजाइनर्स की जरूरत होती है। तो जिन्हें भी गार्डनिंग में इंटरेस्ट है या जिनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस है, नेचुरल इंटेलिजेंस है, तो वो आइडियाज दे सकते हैं। वो इस तरह के जॉब होते हैं जिसमें कि आपका गार्डन डिजाइन किया जाता है, या बड़े बड़े बंगलों में लोग अपना गार्डन, जो आजकल डिजाइनिंग हो गई है कि गार्डन एक पहले सिंपल लगाए जाते थे, आजकल गार्डन जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। तो कोर्टयार्ड डिजाइनर हो गए, वेल वेदर रिसर्चर्स जो वेदर के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर आप देखेंगे जो कि जंगलों के बारे में, एनिमल्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उन्हें यकीनन आपको इंटरेस्ट होगा, तभी तो आप बना रहे हैं ना डॉक्यूमेंट्री। आप उनके पीछे पीछे इतने महीनों, इतने कई कई तो सालों तक घूमते रहते हैं उनके पीछे। एनवायरमेंट रिसर्चर जो एनवायरमेंट के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट जैसे कि कई लोग होते हैं जो कि एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो एनिमल्स को, स्ट्रीट डॉग्स को या स्ट्रीट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, उनको शेल्टर्स देते हैं, खाना पीना देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आजकल एक्टिविस्ट हो चुके हैं जो कि अपने आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसमें अच्छा लगता है, उन्हें खुशी मिलती है। टी टेस्टर्स एंड फूड टेस्टर्स एंड वाइन टेस्टर्स ऑल्सो, तो ये एक ऐसे इंडिविजुअल हैं, ऐसा कैरियर है जो सबसे हाईली पेड माना जाता है दुनिया में, क्योंकि इसमें ये बता रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये आपको अलग अलग टी टेस्ट करके बताते हैं। इनका काम केवल ये बनाते कुछ नहीं है, लेकिन ये टी टेस्ट करते हैं कि किस तरह की टी की क्वालिटी क्या है। और इसी तरह फूड टेस्टर्स होते हैं जो कि केवल ये बताते हैं कि इस फूड का टेस्ट कैसा है। और वाइन टेस्टर्स होते हैं जो कि वाइन टेस्ट करते हैं केवल कि कौन सी वाइन की क्या क्वालिटी, और उसके अनुसार इन सब टीज की वैल्यू रखी जाती है, उनका कॉस्ट लगाया जाता है कि कौन सी टी का कैसा टेस्ट है, उसके बेस पे उनको कॉस्ट पे डिवाइड किया जाता है। तो वी कैन सी कि देयर आर मेनी ऑप्शंस वी कैन चूज इफ वी हैव नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। सो अभी क्या करना है, अगर आपको इनमें से कोई कैरियर यू बनाना है, या आपके बच्चे में या आपके अंदर इस तरह की थोड़ी बहुत नेचुरल, नेचर को पसंद करने की कैपेसिटी है, आप नेचर को समझते हैं, आपका इंटरेस्ट है नेचर के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं इसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, ऑब्जर्व साइट्स एंड साउंड्स इन योर ओन सराउंडिंग्स, पार्क्स एंड गार्डन्स, है ना। क्या करना चाहिए, जो हमारे आसपास के गार्डन हैं, सराउंडिंग है, वहाँ पे बैठ के आप नेचर को देखिए, ध्यान से एक एक फूल पत्ते को देखिए, एक एक चिड़िया की आवाज़ को, जो एनिमल्स हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आप उनको देखिए, उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे आप उनकी आवाज़ को डिस्टिंग्विश करना सीखिए कि किस तरह से फूल पत्तों को अलग अलग समझने की कोशिश करिए कि कौन से फूल में किस तरह के प्लांट, किस तरह की लीव्स हैं, कौन से पेड़ का कितना है, बुश है, श्रब है, क्या है। तो इस तरह से आप जब उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी। वॉच टीवी शोज दैट हैव टू डू विथ नेचुरल फिनोमिना दैट इंटरेस्ट यू, है ना। ऐसे टीवी शोज आते हैं जिसमें कि जो प्लैनेट आता है, प्लैनेट में जो एनिमल प्लैनेट करके है उसको आप देख सकते हैं, वो डिस्कवरी चैनल आता है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं जिसमें कि नेचर को दिखाया जाता है, एनिमल्स के ऊपर स्टोरीज दिखाई जाती हैं। गेट इन्वॉल्व इन अ पोलिटिकल और सोशल कॉज दैट रिलेट्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर और द इंट्रोडक्शन ऑफ नेचर इन टू एन अर्बन एरिया। इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट चलते रहते हैं, जैसे कि अभी सदगुरु जी के द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट है सेव सॉइल, बीच में उन्होंने सेव रिवर चलाया था। तो इस तरह के जो मूवमेंट चलते हैं, या बहुत सारे जैसे मैंने बताया कि एक है गिव अ सीड, या बहुत सारे चलते रहते हैं, कई बार प्लांटेशन प्रोग्राम होते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लीजिए, ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनिए, जिससे कि आपको क्या होगा, आपको नए नए
आइडियाज आएंगे, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिनके पास की नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। टेक अप गार्डनिंग और लैंडस्केप एज अ हॉबी। आप अपने घर का, अगर आपके पास, आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ के अब जहाँ पे आपके पास लैंड है, तो आप उसमें उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप उसके में कुछ अच्छा सा नेचुरल, जैसे कई लोग घर में ही छोटा सा पंप वगैरह लगा के वाटरफॉल बनाते हैं, उसके आसपास डेकोरेट करते हैं, और कोई कोई छोटा पॉन्ड बनाते हैं। तो यू कैन डू एनीथिंग जो आपको अच्छा लगे, या आपके घर में अगर टेरेस है तो आप उसको किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, वहाँ गार्डनिंग कर सकते हैं। गो ऑन कैंपिंग और बैक पैकिंग ट्रिप्स एंड ऑब्जर्व द सराउंडिंग नेचर। तो जो भी इस तरह के ट्रिप्स होते हैं, कई लोग कैंपिंग ट्रिप्स होती हैं, बैकपैकिंग ट्रिप्स होती हैं, जहाँ पे लोग की माउंटेनियरिंग करने जाते हैं, तो ऐसे ट्रिप्स का हिस्सा बनिए, जाइए, इनमें पार्टिसिपेट करिए, तो आपको नई नई नेचर के बारे में बातें पता चलेंगी। विजिट द कंट्री साइड एंड अप्रिशिएट द साइट, साउंड, स्मेल्स एंड टेक्सचर्स, कीप अ जनरल ऑफ योर ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस यू माइट हैव। कभी कभी गांव देहात में जाइए, जो आउटर्स होते हैं सिटीज के, जो लोग बड़ी सिटीज में रहते हैं उनको छोटी छोटी सिटीज में या आउटर्स में जाके वहाँ का स्मेल, वहाँ का साउंड सुनने चाहिए। कि हम लोग शहरों में रहने वाले लोग जो बसों, ट्रकों और ट्रैफिक की आवाज़ें सुनते हैं, तो जब आप कभी ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आप नेचर की आवाज़ें सुने, तो ज़रूर जाना चाहिए। और आपको एक जनरल एक डायरी रखनी चाहिए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या फ़र्क है वहाँ की। आप देखिए, कई बार अगर आप आउटर में ही जाते हैं सिटी के, तो आपको एक हवा में ही खुलापन, एक पॉल्यूशन फ्री एयर आपको महसूस होती है, बर्ड्स दिखने लगती हैं, एनिमल्स दिखने लगते हैं गांव में। तो आपको ये सब, और जितना जर्नलिंग करने से ये होता है कि हमें अपने थॉट्स पता चलते हैं और हम क्लियरिटी आती है हमारे थॉट्स में। और अगर आप एक पैट भी अडॉप्ट कर सकते हैं, या एनिमल शेल्टर में आप वॉलंटियर बन सकते हैं, जो भी एनिमल प्रोटेक्शन के मूवमेंट चलते हैं आप उनमें वॉलंटियर की तरह काम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको एक धीरे धीरे एनिमल्स से प्यार होने लगेगा, आप एनिमल्स की भाषा समझने लगेंगे। सो इस तरह से आप अपने अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज इकिगाय। ये बहुत ही जापानी, फेमस जापानी कॉन्सेप्ट, जो इस नाम से एक बुक भी आई है, बहुत ही फेमस हुई और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम अपनी इंटेलिजेंस को, अपने शौक को समझ नहीं पाते हैं, और कई बार हम अपने शौक को कैरियर बनाने की सोचते हैं पर हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हमें लगता है हमारे अंदर ये इंटेलिजेंस है, लेकिन हम उस तरफ जाते हैं और हमें खास सक्सेस नहीं मिलती है। तो कैसे बैलेंस करना चाहिए हमें लाइफ की को, कि हमारे पास, क्योंकि हर किसी को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो कैसे ये सब चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाएं कि हम प्रोफेशनली फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल हों और हमारे मन में भी, हम अंदर से भी खालीपन ना फील करें। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोला जाता है इकिगाई। इसका शायद मीनिंग ही ये है कि बैलेंस्ड लाइफ या सक्सेसफुल लाइफ कैसे बनाई जा सकती है। सो उनका क्या मानना था कि पैशन जो होता है वो क्या होता है कि हमें क्या पसंद है, है ना, और इनको देखिए किस तरह से इनको किया गया है। कि आप अगर आप ये देखेंगे कि इकिगाई क्या है, कि जो हमारा पैशन है और जो हमारा मिशन है, है ना, तो मिशन हमारा क्या होना चाहिए। पैशन तो ठीक है, आप क्या पसंद करते हैं, ठीक है, मिशन क्या होना चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कि दुनिया को चाहिए क्या, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। ठीक है, इट इज योर पैशन, बट हमारा मिशन होना चाहिए कि दुनिया की जरूरत क्या है। जैसे अभी सेव सॉइल, तो
उसमें बताया गया कि सॉइल जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, किस तरह से सॉइल जो है खत्म हो रही है जिसमें कि फार्मिंग की जा रही है, तो वो सॉइल धीरे धीरे 50-100 सालों में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, तो हम कहाँ पे फार्मिंग करेंगे। तो आज इस चीज की जरूरत है कि हम सॉइल सेव करें, हम वाटर सेव करें। तो इस तरह के मूवमेंट्स में जब आप जुड़ेंगे तो वो आपका मिशन होना चाहिए, है ना। आज ये मिशन नहीं है कि आज की दुनिया को खाने की कमी नहीं है फिलहाल अभी तक, है ना, लेकिन किस खाने की कमी है, ऑर्गेनिक फूड की, है ना, हम साफ सुथरा खाना कहाँ से मिले। तो इस तरह से हमें समझना है कि आज की दुनिया को चाहिए क्या। अब आपका वोकेशन है ना, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अब जो प्रोफेशन होता है तो हमें ऐसा भी करना, क्योंकि आप केवल आप वॉलंटियर वर्क करके या केवल आप सेवा करके, आप क्योंकि पैसा भी चाहिए, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, तो बेसिक नेसेसिटी है कि आपके पास कुछ तो फाइनेंशियल बेसिक होना चाहिए पोजीशन आपकी। तो अब आप देखिए कि क्या उसमें से मैं अपने पैशन और अपने मिशन को देखते हुए मुझे क्या मिल रहा है। वोकेशन मींस कि जो काम आप कर रहे हैं उसको आपकी पसंद का काम या जो आपको कैपेबिलिटी है वो काम आ भी रहा है, उसमें आपको कुछ पेड मिल रहा है, तो वो आपका प्रोफेशन भी बन जाता है, व्हाट यू आर गुड एट। दूसरी बात, आपको क्या देखनी चाहिए कि आपको पसंद है काम, लेकिन क्या आप उसमें अच्छे हैं, है ना, तभी आपको पेड भी किया जाएगा एक्चुअली अच्छे से, है ना। तो एक कहते हैं कि क्या जो मुझे पसंद है चीज, क्या उसमें मैं अच्छा भी हूँ। जरूरी नहीं है जो मुझे पसंद है मैं उसको अपना कैरियर ही बना लूँ, वो मुझे एज अ हॉबी बना के भी मैं रख सकता हूँ। तो प्रोफेशन हमेशा उस चीज को बनाइए जिसमें कि आप अच्छे हैं, जिसमें कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और आप अच्छे भी हैं। तो इस तरह से आप जब अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो आप एक बहुत ही ऐसे सक्सेसफुल आदमी वो नहीं होता जो केवल पैसे वाला होता है। सक्सेसफुल आदमी वो होता है जो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होता है। थैंक यू वेरी मच। सो एंड करते हैं दीपक चोपड़ा के इस कोट के साथ कि यू हैव अ यूनिक टैलेंट एंड यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। There is something that you can do better than anyone else in the whole world. तो क्या इसका मीनिंग हुआ कि हर किसी के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है और वो एक यूनिक तरीके से उसको एक्सप्रेस भी करता है। हर किसी में कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है वो जो दुनिया में बाकी लोगों से अच्छी तरह कर सकता है। हमें उस चीज को पहचानना है और उस चीज को ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो ही हमारी हमारी आत्मा को एक पूर्णता देती है, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसको कंप्लीट करती है। तो हर किसी को अपने कहते इनर वॉइस को जरूर फॉलो करना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस को पहचानना चाहिए कि एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है कि जो आपका इंटेलिजेंस है अंदर, है ना। कई बार आप देखिए बच्चे एक साल एक काम करते हैं, दूसरे साल वो छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं अब मुझे ये भी, अभी सब बच्चों को पायलट बनना होता है, सब बच्चों को डॉक्टर बनना होता है, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कोई बच्चा बोलता है मुझे डांसर बनना है, कोई बोलता है मुझे सिंगिंग करता है, और एट द एंड ऑफ द डे हम सब किसी न किसी ऑफिस में बैठ कर, बैंक में बैठ कर या कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं। सो अपने टैलेंट्स को पहचानिए और उसे अच्छी तरीके से यूज करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.